नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एसएस राठौड़, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी मोड पर। देखिए प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब साइंस। तो साइंस के अंदर अपन पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो अपने सामान्य विज्ञान को 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया अपने अध्ययन की सुविधा से, क्योंकि अपन पूरे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते तो लेंथी हो जाता और अपने को समझ में भी कम आता। तो पूरे भाग को 3 भागों में डिवाइड कर लिया और तीनों भाग अपने 100 by 100 के, मतलब पूरा पेपर अपने 100 नंबर का होगा। इसके अंदर भौतिक विज्ञान का भी योगदान है, जीव विज्ञान का भी योगदान है और रसायन विज्ञान का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अपन पढ़ने सामान्य के विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंदर अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट जो चैप्टर था प्रकाश यानी लाइट। तो लाइट अपने इतनी आसान तरीके से क्लियर कर लिया था कि यदि आपको लाइट के पूरे वीडियो देख लिए ना, तो कभी ज़िंदगी में लाइट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो लाइट अब अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, क्योंकि एक एक चैप्टर जो लेंथ सबसे बड़ा है ना, वो देखते हुए चलेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान। तो देखिए प्यारे बच्चों, सामान्य विज्ञान के अंदर पूरा अपने 100 नंबर का सिस्टम है। यदि 100 by 100, तो हर बंदे की चाहत रहती है कि यार 100 में कम से कम 100 में से 80+ तो आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, इसके अंदर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पूरी साल कितना पढ़ा, महत्वपूर्ण इस बात पे करेगा कि आप अब एग्ज़ाम टाइम में कितना पढ़ रहे हो, स्मार्ट वर्क कितना कर रहे हो। क्योंकि मेन स्मार्ट वर्क के अंदर मेन आता है कि अपने क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, क्योंकि पूरे नोट्स तो पढ़ नहीं सकते पूरे। तो अब इस लास्ट टाइम में वही बंदा खेलेगा जो एकदम स्मार्ट वर्क करेगा। स्मार्ट वर्क के अंदर अपने को एकदम हर चीज़ को बारीकी से देखना है और जो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, उसी को पढ़ना है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, पूरी साल पढ़ ली बहुत है फालतू की चीज़ें। अब अपने को एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम के अंदर आएंगे ना, वो ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उसी कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे एकदम स्मार्ट वर्क पे कि अपने को कौन सा कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी सिद्धांत पर अपन काम करेंगे और फालतू की चीज़ें नहीं। तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं कॉन्सेप्ट करवाऊँगा ना, 100% उसी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि पिछले जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं ना, सब में लगभग यहीं से, तो पूरे जितने भी पिछले साल के प्रीवियस पेपर थे उनका एनालिसिस करके मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किए। तो आइए प्यारे बच्चों, अपन जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, यदि आपका सपना डॉक्टर मतलब मेडिकल फील्ड में जाने का है ना, तो ये आपकी प्रथम सीढ़ी है। क्योंकि कक्षा 10 के अंदर बढ़िया मार्क्स आ गए ना, तो फिर आपके भविष्य का निर्धारण हो जाएगा कि आप इंजीनियर बनना चाहोगे या डॉक्टर। आपको यहीं से फिर एक ऑप्शन मिलेगा कि आप साइंस फील्ड में जाओगे या फिर आर्ट्स वगैरह उधर। तो यदि आपको इस साइंस सामान्य विज्ञान में अच्छी पकड़ है ना, तो आपकी एक आगे के लिए बेहतरीन ऑप्शन खुलेंगे। क्योंकि डिफेंस लाइन में भी सबसे ज़्यादा यहीं से जाते हैं बंदे, मेडिकल लाइन में भी सबसे ज़्यादा यही जाते। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक तो जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जी हाँ प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान बायोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक में तो अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और एक में अपन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसको तो कहते हैं अपन वनस्पति विज्ञान, और जो जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जीव विज्ञान। मानव तंत्र अर्थात अपने मानव शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ है। अब दोस्तों, अपने मानव शरीर का निर्माण इतने जटिल तरीके से हुआ है, जिस प्रकार अपन मकान बनाते हैं, तो मकान ईंटों से मिलकर बना होता है और ईंट किससे मिलकर बनी होती है, रेत से। तो उसी प्रकार अपने मानव शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो अपने मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है प्यारे बच्चों, कोशिका। तो आइए देखते हैं कोशिका किसे कहते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अपने सब शरीर का सबसे छोटा अंग होता है कोशिका। तो देखिए, आइए देखते हैं अपने मानव शरीर का निर्माण किस प्रकार होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग होता है कोशिका, और कोशिकाओं के समूह से मिलकर उत्तक, छोटी छोटी कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है। जैसे उत्तक के अंदर होता है अपना पेशी और अस्थि मतलब हड्डियाँ, और उत्तकों के समूह से अंग बनता है। अंग मतलब अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय। तो अंगों के समूह से मिलकर तंत्र बनता है।
छोटे छोटे अंग मिलकर एक पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, और पूरे तंत्रों का समूह मिलकर अपने मानव शरीर का निर्माण करता है। तो अपन अब देखेंगे कि तंत्र के अंदर, कि मानव शरीर के अंदर कौन कौन से तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। तो अपन सबसे पहले देखेंगे पाचन तंत्र। तो अपन एक बार चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर अपने मानव शरीर के तंत्र के अंदर किस प्रकार अंग होता है और किस प्रकार पेशियां होती है। तो देखिए पहले बच्चों, कोई भी अपन तंत्र उठा लेते हैं, इसमें पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र कौन कौन से, तो अंग से मिलकर बना होता है, और उसके अंदर कौन कौन सी पेशियां पाई जाती है। तो देखिए पहले बच्चों, मानव पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र के अंदर मुख गुहा, ग्राश नली और आमाशय और छोटी आंत, तो ये तो तंत्र होते हैं। और जो छोटी आंत के दो भाग होते हैं, तो इलियम और ग्रहणी और इलियम, तो इसके दो डिवाइडेशन है ना, इसमें ये पेशियां होती हैं। तो पेशियों से मिलकर अंग और अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है, और इसी प्रकार अपने मानो। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं SS राठौड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी के अंदर अपन ने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया मानव तंत्र, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला यही चैप्टर मानव तंत्र है। मानव तंत्र 6 नंबर का चैप्टर है प्यारे बच्चों, और 6 नंबर बहुत बड़ा वेटेज होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। तो प्यारे बच्चों, मानव तंत्र में अपन पढ़ेंगे कि अपना शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो प्यारे बच्चों, अपने मानव तंत्र अर्थात मानव शरीर का निर्माण भगवान ने एक अद्भुत और जटिल तरीके से किया है। इतना अद्भुत तरीके से किया है कि इसके अंदर बहुत सारे तंत्र मिलकर, छोटे छोटे अंग और बहुत सारे तंत्र मिलकर एक मानव संरचना का निर्माण किया भगवान ने। जिस प्रकार एक मकान होता है, तो मकान सीधा मकान थोड़ी होता है, इसके अंदर ईंटों से मिलकर मकान बनता है, और ईंट एक रेत के कण से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार अपना मानव का शरीर बना होता है, जिस प्रकार, तो मानव का शरीर के अंदर सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है, और उत्तकों के समूह से अंग बनता है, और अंग, छोटे छोटे अंग मिलकर पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं, और पूरे तंत्र, जितने भी तंत्र अपने मानव शरीर में, वो पूरे तंत्र मिलकर एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो तंत्र क्या होता है? तंत्र वो होता है अंगों का ऐसा समूह जो एक विशेष प्रकार का काम करता है। तंत्र क्या होता है? एक अंगों का विशेष ऐसा समूह है जो एक विशेष प्रकार का काम करता है, उसको ही अपन तंत्र बोलते हैं। और इसके अंदर अलग अलग तंत्र होते हैं, जैसे अलग अलग काम होते हैं, जैसे कोई भोजन को बचाता है, कोई श्वसन क्रिया करवाता है, कोई उत्सर्जन करवाता है। तो उनके काम के आधार पर अलग अलग तंत्रों को बांट दिया पढ़ने। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है पाचन तंत्र, क्योंकि कुछ अपन खाएंगे पियेंगे तो ही अपने शरीर में एनर्जी आएगी, और यदि थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी तो ही अपन दूसरा काम कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं मानव तंत्र, अर्थात मानव तंत्र के अंदर पहला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? क्योंकि अपन भोजन क्यों खाते हैं? प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अपन भोजन क्यों खाते हैं? क्योंकि अपने को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए अपन भोजन, क्योंकि भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो उस ऊर्जा के लिए अपन भोजन ग्रहण करते हैं, और यदि अपने शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो अपन कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से जितने भी अंग होते हैं वो पूरे अंग मिलकर एक भोजन का पाचन करते हैं, और पाचन करके जो ऊर्जा अपने शरीर को देते हैं, उसमें जो जो प्रोसेसिंग होती है वही पूरी पाचन तंत्र के अंदर होती है। तो आइए एक बार NCERT के अकॉर्डिंग अपन परिभाषा देख लेते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र देखिए प्यारे बच्चों, मानव में अंगों और ग्रंथियों, तो मानव में अंगों एवं ग्रंथियों का वह समूह जो भोजन को पचाने एवं अवशोषण, मतलब भोजन को पचाने और भोजन में से जो मुख्य जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई, उनको अवशोषण करने का काम करता है। ये पूरी प्रोसेसिंग होती है, वही पाचन तंत्र कहलाती है। तो पाचन तंत्र की अपने परिभाषा, अब प्यारे बच्चों, पाचन तंत्र भी दो प्रकार का, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, आहार नाल पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आहार नाल अपने मानव के पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अपना भोजन का पाचन अधिकांश आहार नाल के अंदर ही संपन्न होता है। तो इस आहार नाल, अब देखेंगे आहार नाल में क्या कौन कौन से अंग काम करते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों अपने पाचन के आधार पे अपने पाचन तंत्र को दो भागों में बांट रहे हैं।
जिस प्रकार अपन पाचन ग्रंथियों के अंदर तो एंजाइम और एंजाइम काम आते हैं और इसके अंदर अंग काम आते हैं कि कौन कौन से अंग अपने पाचन तंत्र के अंदर सहायक होते हैं। तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, पाचन तंत्र को दो भागों में बांट दिया। तो आहार नाल, तो प्यारे बच्चों आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 8 से 10। और आहार नाल अपने मुख से लेके, यहाँ से मुख से लेके और गुद्दा द्वार तक होती है। मुख से लेके आहार नाल और गुद्दा द्वार, इसमें जितने भी अंग काम आते हैं, इसमें जितने भी अंग काम करते हैं ना, वह सब आहार नाल का। इसलिए आपको अभी मैंने बताया कि आहार नाल एक मानव पाचन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मानव पाचन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आहार नाल होता है, क्योंकि आहार नाल के अंदर अपने मुख से लेके गुद्दा द्वार तक जितने भी प्रोसेस होती है, जितने भी अंग काम में आते हैं, वह सब इसके अंदर ही आते हैं। तो आइए एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले ये संरचना समझते हैं, हर एक पॉइंट को संरचना के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि उससे अपने को इतनी आसानी से पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा और एक अपन रियल लाइफ से रिलेट करके हर चीज़ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं अपन सबसे पहले पाचन तंत्र के अंदर। अपन सबसे पहले मान लो किसी भी कोई भी चीज़ खाई, तो सबसे पहले कौन सा अंग काम में लेंगे? मुँह काम में लेंगे। तो सबसे पहले आप मान लो मुँह के अंदर कोई घास लिया, कोई बाइट मुख के अंदर ली, फिर उसके बाद क्या प्रोसेसिंग होगी? तो प्यारे बच्चों मुख के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो दांत पाए जाते हैं और दूसरी जीव्या पाई जाती है। मुख के अंदर दांत और जीव्या। तो सबसे पहले किसी चीज़ को आप खाओगे तो दांत काम आएंगे। जैसे आप किसी चपाती को खाते, तो अगले वाले कोई भी चपाती हाथ में ली, उसको खाया, तो कौन से दांत काम में आए? आगे वाले दांत। तो इसी प्रकार दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कृतनक, रदनक, अग्रचूर्णक और चौर्णक। कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा कौन कौन से? पहला कृतनक, फिर रदनक, अग्रचर्वणक और च्वरणक। तो सबसे पहले जो पहला दांत होता है कृतनक, वह भोजन को काटता है। फिर रदनक भोजन को चीरता है और फाड़ता है। फिर अग्रचर्वण और च्वरणक भोजन को चबाने का काम करता है। तो यह आ गया मुख के अंदर दांतों का काम हो गया। फिर दांत, फिर मुख के अंदर जीभ से कुछ श्लेष्म अर्थात कुछ ऐसा स्त्राव होगा श्लेष्मा का, जो अपने भोजन को जो इन दांतों ने काटा उसको कुछ लसलसा बना देगा उस भोजन को, और इस लसलसे भोजन को फिर आगे क्रमांकुंचन गति के द्वारा आगे चला जाएगा। इसके बाद आएगी ग्रसिका। प्यारे बच्चों ग्रसिका क्या काम आती है? ग्रसिका अपने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट होता है, क्योंकि ग्रसिका के अंदर श्वसन अर्थात गैसें भी आएगी और अपना भोजन खाएंगे भोजन भी जाएगा। तो बचपन में अपने दोस्तों का आपने बताया होगा कि देख मेरे मुख के अंदर वो एक यहाँ छोटी सी घोड़ा सा होता है। तो प्यारे बच्चों वो होता है एपिग्लोटिस। तो आपके यहाँ ग्रसिका के अंदर है ना एक एपिग्लोटिस या घाटी टक्कर नाम का एक अंग पाया जाता है, जो यदि भोजन खाते हैं भोजन निगलते हैं ना, तो श्वसन नली को ढक लेता है, जिससे क्या अपना भोजन श्वसन नली के अंदर नहीं जा पाता है और अपन भोजन की प्रोसेसिंग आगे हो जाती है। फिर भोजन यहाँ आया, फिर ग्रास नली, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट ग्रास नली, और ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती। तो प्यारे बच्चों आहार नाल के अंदर मुख देख लिया अपन ने, दूसरा अंग है ग्रसिका, ग्रसिका देख ली। ग्रसिका का काम होता है श्वसन नली और पाचन तंत्र का उभयनिष्ठ पार्ट होता है, श्वसन नली और पाचन तंत्र का उभयनिष्ठ पार्ट होता है प्यारे बच्चों। तीसरा ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ये मुखग्वा से आमाशय के अंदर भोजन को पहुंचाने का काम करती है। फिर भोजन पहुंच गया आमाशय के अंदर, यहाँ से अपन ने भोजन लिया, दांतों ने अपना काम किया काटना चीरना फाड़ना, फिर आगे आया ग्रसिका कुंचन कर्म, उस गति के द्वारा भोजन को लसलसा बना के आगे आया भोजन यहाँ आके, ये आमाशय, ये कौन सा अंग है? आमाशय। तो आमाशय के अंदर एक अम्ल स्त्रावित होता है प्यारे बच्चों, NCL हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है, जो आमाशय इस भोजन की प्रकृति को अम्लीय बना देता है, भोजन की प्रकृति को अम्लीय बना देता है, जिससे मान लो अपन खाने के साथ कुछ अशुद्ध या फिर बैक्टीरिया वगैरह खा लेते हैं ना, उसको हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम NCL करता है। इसके अंदर आते भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है, उसके दौरान इसके पूरा अम्लीय वातावरण बना के किसी प्रकार आप कभी कभार आपको खट्टी डकारें आई होगी तो महसूस किया होगा आपने कि ये क्यों आती है। तो इसमें NCL अम्ल कभी कभार अपन आमाशय की गड़बड़ी के कारण ही
और उल्टी के अंदर अपना जो भी भोजन बाहर आता है वो आमाशय में कुछ खराबी के कारण ही वापस आता है। तो इसके बाद भोजन आता है अपने छोटी आंत के अंदर, आमाशय के बाद आएगा छोटी आंत में। प्यारे बच्चों, छोटी आंत का नाम ही छोटा है पर सबसे बड़ी छोटी आंत ही होती है, क्योंकि छोटी आंत का व्यास या मतलब थोड़ी पतली होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। नहीं तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर होती है। फिर छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और सर्वाधिक अवशोषण होता है। कौन से अंग के अंदर सबसे ज़्यादा पाचन होता है? छोटी आंत के अंदर भोजन का सबसे ज़्यादा तो पाचन होता है और सबसे ज़्यादा ही अवशोषण होता है छोटी आंत। फिर छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन हो गया, जितना भी मतलब पचित भोजन था उसका अवशोषण हो गया। उसके बाद भोजन आएगा बड़ी आंत के अंदर। कौन सी आंत के अंदर? बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत के अंदर जो छोटी आंत के अंदर कुछ भाग रह गया था या जो छोटी आंत नहीं पचा पाए उसको बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो किण्वन क्रिया द्वारा, बड़ी आंत के अंदर किण्वन क्रिया के द्वारा उसका पाचन कर देते हैं। बल्कि यहाँ कोई विशेष पाचन नहीं होता बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर कोई विशेष पाचन नहीं होता। जो रह जाते हैं ना, मान लो छोटी आंत ने थोड़ा बहुत पार्ट अपचित छोड़ दिया तो बड़ी आंत के अंदर आया, तो बड़ी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया किण्वन क्रिया द्वारा इनको पचा देते हैं। पचाने के बाद जो मतलब अपचित भोजन हो गया, कि भोजन स्टार्टिंग के अंदर मुंह में लिया अपन ने, मुंह ने अपना काम कर दिया, फिर ग्रसिका से आ गया ग्रास नली में, ग्रास नली से आ गया आमाशय में, आमाशय ने भी पचा दिया, फिर आ गया छोटी आंत में, छोटी आंत ने भी पचा दिया, अपना काम कंप्लीट कर दिया, फिर आया बड़ी आंत में, बड़ी आंत ने भी जो अपनी कैपेसिटी थी उसके अनुसार सब कुछ पचा दिया। फिर जो अपचित भोजन है, जो अपचित भोजन है उसको गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपचित भोजन बचा उसको फिर बड़ी आंत उसमें कुछ श्लेष्मा या कुछ ऐसा लसलसा बना के उसको फिर गुदा द्वार द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, एक पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र के अंदर एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि पाचन तंत्र में अंगों और ग्रंथियों का वह समूह जो भोजन का पाचन करती है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र मानव में अंगों और ग्रंथियों, अंगों का समूह तो आहारनाल में होता है और ग्रंथियों का पाचन ग्रंथियाँ। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि पाचन तंत्र को दो पार्ट में बांटा था, कि ग्रंथियां हमेशा हार्मोन और एंजाइम स्त्रावित करती है और इसके अंदर पाचन कौन करते हैं? अंग करते हैं। तो इसी आधार पर अपन ने दो भागों में बांटा था इसको। तो पाचन तंत्र के अंदर ये अंग हो गए आहार नाल में और ये पाचन ग्रंथियां। तो पाचन आहार नाल के अंदर मुख का काम था कि भोजन को चीरना फाड़ना, फिर भोजन आगे फिर जीभ का काम है भोजन को लसलसा बनाना और भोजन के अंदर कुछ श्लेष्मा स्त्रावित करना, जिससे भोजन के आगे नीचे ग्रसिका या ग्रास नली के एकदम आसानी से आ जाए। उसके बाद काम है ग्रसिका का। तो ग्रसिका प्यारे बच्चों अपने पाचन ग्रंथि या पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट होता है, दोनों का उभयनिष्ठ भाग होता है। क्योंकि इसके अंदर गैसें भी आएगी और इसी के अंदर भोजन भी आएगा, तो दोनों गैस भी उसी मार्ग से आ रही है और भोजन भी उसी मार्ग से आ रहा है, तो ये तो खतरनाक काम हो गया। तो इसके अंदर, तो ग्रसिका के अंदर प्यारे बच्चों एक एपिग्लोटिस या फिर घाटीडक का नाम का अंग पाया जाता है, एपिग्लोटिस या फिर घाटीडक का नाम का अंग पाया जाता है, जो यदि भोजन आएगा अपन खाना खाएंगे तो एपिग्लोटिस श्वसन नली को बंद कर लेता है, जिससे कि अपन भोजन श्वसन नली में नहीं जा पाता। उसके बाद अपने आएगा ग्रास नली, ग्रास नली मुख से लेके ग्रास नली का काम होता है कोई भी अपन भोजन का है तो भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है, इसकी 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है प्यारे बच्चों। फिर आ गए आमाशय, आमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है, उसके दौरान हमारे शरीर एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है जिसका काम होता है भोजन को अम्लीय माध्यम अर्थात भोजन को अम्लीय बढ़ाना, तो भोजन को अम्लीय बढ़ा देगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो भी बाहर से बैक्टीरिया वगैरह अपने भोजन के अंदर आए उनको हानिकारक बैक्टीरिया को मारना, जिससे क्या आगे कोई नुकसान ना हो। उसके बाद भोजन आमाशय से आएगा छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत अपने पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी के अंदर छोटी आंत के अंदर भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है और सबसे अधिक अवशोषण इसी के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत कर लेगी। उसके बाद जो भी भोजन बचेगा
उसको बड़ी आंत के अंदर भेज देगी। तो बड़ी आंत का काम ये है कि छोटी आंत के अंदर थोड़ा बहुत पार्ट अपचित रह गया तो उसको बैक्टीरिया के माध्यम से बचाएगी किण्वन क्रिया द्वारा। फिर जो जल और खनिज लवण है उनका अवशोषण करेगी, फिर मल द्वार या गुद्दा द्वार द्वारा अपचित भोजन को समय समय पर बाहर निकाल देगी। अब अपन आहार नाल के एक एक अंग को एकदम विस्तार से देखेंगे कि आहार नाल के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उसका काम क्या है। तो सबसे पहले आहार नाल के अंदर पाए जाते हैं मुख, टीथ। तो मुख के अंदर एक तो टीथ होते हैं, एक टंग होती है जी। तो मुख, मुख के अंदर क्योंकि अपने पाचन के अंदर सबसे पहले पाचन शुरू होता है मुख से, तो सबसे पहले मुख पढ़ेंगे। मुख, मुख के अंदर एक तो होते हैं दांत और दूसरा होता है जीभ। मुख के अंदर दो अंग पाए जाते हैं, एक दांत और एक जीभ। तो दांतों का काम क्या है और जीभ का क्या काम क्या है, तो आइए बच्चों देखते हैं दांत। तो प्यारे बच्चों दांत, दांत चार प्रकार के होते हैं। पहला कृतनक, दूसरा अग्र कृतनक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चूर्णक, चौथा चूर्णक। कौन कौन से एक बार बोलिए वापस, कृतनक, रदनक, अग्रचूर्णक और च्वरणक। तो आइए देखते हैं इनका काम क्या क्या है और इनकी संख्या कितनी है और ये कौन कौन सी उम्र में आते हैं, कि सबसे पहले बच्चे के कौन से दांत आए, उसके बाद कौन से दांत आएंगे और लास्ट के अंदर कौन से दांत आएंगे। तो दांत, दांत के अंदर पहला दांत है कृतनक दांत, कृतनक, दूसरा फिर रदनक, तीसरा अग्रचूर्णक, चौथा चूर्णक। तो प्यारे बच्चों कृतनक दांत है ना, इसका काम है किसी भी चीज को मतलब अपने भोजन को काटना। सबसे पहले इसका काम है काटना, फिर रदनक, रदनक का काम है चीरना और फाड़ना। जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो सब, उसके अंदर सबसे ज़्यादा विकसित दांत होता है रदनक, क्योंकि वो मांस को चीरते हैं और फाड़ते हैं। कौन से दांत से हैं, रदनक दांत से, इसलिए सबसे ज़्यादा विकसित उसमें रदनक दांत होते हैं। फिर होते हैं चूर्णक, कौन से चूर्णक, फिर अग्रचूर्णक। चूर्णक और अग्रचूर्णक का काम होता है चबाना। पहले बच्चों अग्रचूर्णक और चूर्णक ये लास्ट के अंदर होते हैं, आगे के दांत कृतनक, आगे के दांत कृतनक होते हैं, उसके बाद रदनक, उसके बाद चूर्णक। स्टार्टिंग आगे के दांत हो गए कृतनक, फिर रदनक, फिर अग्रचूर्णक, फिर लास्ट के अंदर होते हैं ना वो चूर्णक होते हैं। और अपनी जो अक्कलदाढ़ होती है ना वो भी लास्ट के अंदर होती है, तो वह चूर्णक का चूर्णक या फिर अक्कलदाढ़ बोलते हैं उसको। तो प्यारे बच्चों अपन देखेंगे कि सबसे पहले अपने कौन से दांत आते हैं, कि बच्चा जन्म लिया तो सबसे पहले उसके दांत आए वो कौन से, अग्रचूर्णक, चूर्णक, रदनक, कृतनक। तो देखते हैं कृतनक दांत है ना, छोटे बच्चे के 6 माह के स्टार्ट, जब 6 माह का होता है ना तो कृतनक दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब रदनक दांत है ना वो 18 से 20 माह का बच्चा होता है ना तब उसकी शुरुआत होती है। और अग्रचूर्णक और चूर्णक, ये अग्रचूर्णक तो बंदा 10 साल का होता है ना बच्चा तब स्टार्ट होता है, और चूर्णक अक्लदाढ़ तो बंदा किशोरावस्था में आ जाता है, मतलब 20 साल के ऊपर हो जाता है तो फिर आता है। तो आइए देखते हैं दांतों की कुछ विशेषता है। तो मानव के दांत द्विबार दंती होते हैं, मतलब मानव में 2 बार दांत आते हैं, पूरे दांत नहीं आते, कुछ दांत स्थायी होते हैं, कुछ दांत अस्थायी होते हैं। जो अपने बचपन में दांत होते हैं वो एक बार तो पूरे टूट जाते हैं, तो वह कौन से स्थायी हुए, अस्थायी, अस्थायी दांत हुए, उसको अपन दूध के दांत भी बोलते हैं। तो उसकी संख्या कितनी होती है देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अस्थायी दांत है, दूध के दांत की संख्या होती है 20। 20 दांत ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में 2 बार आते हैं, और जो जीवन में 1 ही बार आता है उसको बोलते हैं स्थायी दांत, वह उसकी संख्या कितनी होती है 12। तो इसकी इनकी एक बार संख्या देख लेते हैं कि कृतनक दांतों की संख्या कितनी होती, रदनक दांतों की संख्या कितनी होती, अग्रचूर्णक की कितनी होती, चूर्णक की कितनी। तो ये एक बार सारणी देखिए आप, इसके अंदर अपने मुख के अंदर 2 जबड़े, एक ऊपर का जबड़ा एक नीचे का जबड़ा। तो कृतनक दांत के अंदर ये 2 दांत तो ऊपर के जबड़े में होते हैं और 2 जोड़ी नीचे के जबड़े में, 2 जोड़ी ऊपर के जबड़े में, 2 जोड़ी नीचे के। और रदनक के अंदर रदनक दांत हमारे 1 जोड़ी तो ऊपर होती है, 1 जोड़ी नीचे, 1 जोड़ी तो ऊपर के दांतों में होती है, 1 जोड़ी नीचे के, मतलब 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, ये 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, 1 जोड़ी में 2 दांत होते हैं। फिर आएंगे अग्रचूर्णक और चूर्णक, अग्रचूर्णक भी 2 जोड़ी ऊपर होती है, मतलब 4 दांत ऊपर होते हैं और 4 दांत ही नीचे होते हैं। फिर चूर्णक, चूर्णक मतलब जो लास्ट के दांत होते हैं वह 3 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं और 3 ही जोड़ी नीचे के जबड़े में होती है। इस प्रकार टोटल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। प्यारे बच्चों अपने बचपन के अंदर अग्रचूर्णक दांत नहीं होते, अग्रचूर्णक दांत अपने बचपन में नहीं होते, ये जब एक बार दूध के दांत टूट के वापस आते हैं तो ही अपने अग्रचूर्णक दांत आते हैं। तो अपन ने मुख देख लिया, आहार नाल का दूसरा पार्ट है ग्रसिका, फिर ग्रास नली। तो प्यारे बच्चों ग्रसिका या ग्रास नली ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का एक उभयनिष्ठ पार्ट होता है, क्योंकि इसी नली से तो
भोजन जाएगा और इसी नली से गैसों का परिवहन होगा, इसी नली से तो गैसों का परिवहन होगा और इसी नली से मुख के द्वारा भोजन जाएगा। तो दोनों, भोजन भी एक ही नली में जा रहा है और श्वसन भी एक ही नली में जा रहा है। तो इसके अंदर एक होता है एपिग्लोटिस अर्थात गाठी ढक्कन, एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन। तो इस जब भोजन आता है तो श्वास नली को बंद कर लेता है, श्वास नली को बंद कर लेता है, भोजन आगे आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ मुख के अंदर अपन ने कुछ खाया और यहाँ ये ग्रसिका या फिर ग्रास नली है, तो यहाँ एक एपिग्लोटिस होता है अपने मुख के अंदर, एपिग्लोटिस या फिर गाठी ढक्कन होता है जो एक श्वसन नली को तो बंद कर लेता है और जो लसलसा भोजन आता है उसको आमाशय के लिए रवाना कर देता है यहाँ से कुंचन कर्मा कुंचन गति के द्वारा। तो इसके अंदर एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन का बहुत बड़ा रोल होता है, ये श्वास नली या श्वसन नली को ढक लेता है और फिर और ग्रास नली का मेन ये काम होता है कि भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाता है और इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब देखेंगे अपन आहार नाल का तीसरा अंग आमाशय। तो आमाशय को अपन चित्र के माध्यम से समझेंगे जिससे कि अपने को समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों इस संरचना के अंदर आमाशय इस भाग को कहते हैं अपन। तो आमाशय के अंदर जो ऊपर वाला है जो ग्रसिका से जुड़ा हुआ है उसको अलग नाम देते हैं, जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है उसको अलग नाम देते हैं और जो बीच के अंदर ये भाग है उसको अपन अलग नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं आमाशय को तीन पार्ट में बांटा गया, एक तो जठरागमनी या फिर कॉर्डेक, दूसरा जठर निर्गमी भाग, तीसरा फंडिस भाग। तो तीनों को अपन अलग अलग नाम देंगे और तीनों को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो इससे पहले देखते हैं कि आमाशय का आकार कैसा होता है। तो आमाशय का आकार प्यारे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर जैसा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर जैसा आमाशय का आकार होता है। फिर आमाशय की क्षमता कितनी होती है कि वह कितने भोजन को ग्रहण कर सकता है, तो 1 से 3 लीटर तक आहार को ग्रहण कर सकता है। और प्यारे बच्चों भोजन आमाशय के अंदर कितनी देर तक ठहरता है, तो 3 से 4 घंटे तक आमाशय के अंदर भोजन ठहरता है। तो देखिए प्यारे बच्चों आमाशय के अंदर एक एसीएल अम्ल स्त्रावित होता है, एसीएल अम्ल स्त्रावित होता है। जैसे अपने भोजन आमाशय के अंदर आया तो पूरे भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे कि जो भी भोजन के साथ हानिकारक बैक्टीरिया आएंगे उसको मारने का काम करता है, जिससे कि कोई नुकसान ना हो। तो एसीएल अम्ल, उसके बाद अपन देखेंगे कौन सा पार्ट एकदम चित्र के माध्यम से, तो कार्डियक या फिर जठरागमी भाग। तो पहला भाग है जो ये ऊपर से ग्रसिका आ रही है, ग्रसिका ये आमाशय और ये नीचे वाला भाग छोटे हाथ के अंदर खुल रहा है। तो प्यारे बच्चों जो ऊपर वाला है ना, जो भाग ग्रसिका से जुड़ा हुआ है आमाशय का, उसको अपन बोलते हैं कॉर्डेक या फिर जठरागमी भाग। इस ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्डेक या फिर जठरागमी भाग, जो ग्रसिका से जुड़ा हुआ है। और जो नीचे का भाग है ना, ये जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, उसको नाम देते हैं अपन जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है अर्थात जो छोटी आंत के अंदर खुल रहा है ना, उसको अपन जठर निर्गमी भाग। और जो एक बीच के अंदर जो भोजन को पचाने का काम कर रहा है उसको अपन फंडिस कहते हैं, फंडिस भोजन को पचाने का काम करते हैं। हर नाल का चौथा पार्ट है छोटी आंत। तो प्यारे बच्चों छोटी आंत को अपने चित्र के माध्यम से समझेंगे कि छोटी आंत आखिर अपने मानव तंत्र पाचन तंत्र के अंदर कहाँ है। तो देखिए प्यारे बच्चों छोटी आंत के अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ना छोटी आंत, तो देखिए प्यारे बच्चों छोटी आंत की लंबाई होती है 7 मीटर, 6 से 7 मीटर इसके अंदर। और छोटी आंत का नाम ही छोटा है प्यारे बच्चों, वैसे छोटी नहीं, वैसे सबसे बड़ी आंत है, 7 मीटर बहुत होती है, लेकिन ये समेटी हुई रहती है। क्योंकि आप सोचो कि 7 मीटर तो अपनी लंबाई नहीं है, तो ये एकदम सर्पिलाकार पूरी अंदर लपेटी हुई रहती है। इसके अंदर यह अपने पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये यदि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो एक छोटी आंत है। क्योंकि छोटी आंत के अंदर सबसे अधिक पाचन और सबसे अधिक उसके अंदर जो अवशोषण होता है, जो भी खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, वो छोटी आंत के अंदर ही होता है। क्योंकि इसके अंदर विल्ली पाई जाती है और विल्ली पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पहला है ग्रहणी, दूसरा अग्रशुद्धांतर और तीसरा शुद्धांतर। तो देखिए अपन संरचना के माध्यम से एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि कौन से पार्ट को क्या नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी संरचना। तो प्यारे बच्चों ये छोटी आंत, तो छोटी आंत का जो पार्ट आमाशय से जुड़ा हुआ है उसको अलग नाम देते हैं, आमाशय का भाग जो इस बड़ी आंत से जुड़ा है उसको अलग नाम दे रहे हैं, और जो बीच के अंदर है
जो एकदम अवशोषण का काम कर रहा है उसको अपन अलग नाम देते। तो पहला नाम है गृहिणी। तो गृहिणी किसे कहते हैं? छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय से जुड़ा हुआ है, छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय से जुड़ा हुआ है उसको अपन गृहिणी बोलते हैं। फिर अग्रशुद्धांत्र, अग्रशुद्धांत्र उसे कहते हैं जो बीज के अंदर छोटी आंत का जो अवशोषण का काम कर, जो पचित भोजन में से अवशोषण का काम कर रहे हैं उसको अपन अग्रशुद्धांत्र कहते हैं। अब तीसरा भाग है शुद्धांत्र। तीसरा शुद्धांत्र किसे कहते हैं? शुद्धांत्र कहते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये संरचना है ना, तो संरचना के अंदर जो भाग बड़ी आंत के अंदर खुल रहा है, जो आँख ये भाग बड़ी आंत, ये पूरी बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर जो खुल रहा है ना, इस पॉइंट को कहते हैं शुद्धांत्र। तो इसके अंदर छोटी आंत की लंबाई देखिए, पढ़ने लंबाई है 7 मीटर। और इसका सबसे अपने पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है छोटी आंत। और छोटी आंत का सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण करता है। जो भी अपने पाचन तंत्र के अंदर जितने भी अंग है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पाचन ये इसी अंग के अंदर होता है और सबसे ज़्यादा अवशोषण भी इसी अंग के अंदर होता है। और इसको भी तीन भागों में बांटा, तीनों भाग अपन ने देखे कि गृहिणी किसे कहते हैं, अग्र शुद्धांत्र किसे कहते हैं और शुद्धांत्र किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। और यदि आपको इसकी लंबाई में, छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई में कंफ्यूज रहेगा कि आखिर छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है कि बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा है, तो प्यारे बच्चों छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है, बड़ी आंत की लंबाई कम है, क्योंकि छोटी आंत की नाम ही छोटा है और उसका, क्योंकि व्यास उसका कम है ना और बड़े आंत का व्यास ज़्यादा है, तो व्यास के आधार पर इसको नाम दिया गया है। और वैसे छोटी नहीं है ये, वैसे सबसे बड़ी आंत है। बच्चों अब देखेंगे अपन आहार नाल का सबसे अंतिम पार्ट और पाचन तंत्र का भी सबसे अंतिम भाग, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की लंबाई प्यारे बच्चों 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर। तो संरचना के माध्यम से देखेंगे बड़ी आंत कौन सी जगह होती है। बड़ी आंत देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ से छोटी आंत का अंत होता है इस जगह से, वहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है और गुद्दा द्वार तक बड़ी आंत का, बड़ी आंत गुद्दा द्वार तक 1.5 मीटर की होती है। तो आइए देखते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत के अंदर कुछ विशेष पाचन नहीं होता। बड़ी आंत के अंदर जैसे छोटी आंत के अंदर विशेष पाचन होता, उस तरह कोई विशेष पाचन नहीं होता। बड़ी आंत के अंदर तो जो छोटी आंत कुछ अंश छोड़ देती है अपचित भोजन का, उनको पचाने का काम होता है। और जो बड़ी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उस अपचित भोजन को, उस अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा, अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा उसको पचा देता है। और इसका मुख्य कार्य, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल और खनिज लवणों, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। लगभग तो बड़ी आंत के अंदर अवशोषण हो गया, जो कुछ छोटा थोड़ा बहुत बचा ना उसको अवशोषण करना इसका काम। तो इसको भी अपन तीन भागों में बांटते हैं यह बड़ी आंत। बड़ी आंत को भी अपन तीन भागों में बांट रहे हैं। पहला है सीकम या फिर अंधनाल, दूसरा वृद्धांत्र, तीसरा मलाशय या फिर रेक्टम। पहला अंधनाल को अपन इंग्लिश में सीकम बोलते हैं, वृद्धांत्र को कोलन बोलते हैं और मलाशय को रेक्टम बोलते हैं। तो देखिए अपन देखते हैं कि सीकम कौन सा पार्ट है, कोलन और रेक्टम कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों अंधनाल होता है जो पचित भोजन को यहाँ शुद्धांत्र से वृद्धांत्र मतलब कोलन तक लेके आता है ना, उसको बोलते हैं अपन सीकम। और वृद्धांत्र कोलन, वृद्धांत्र या फिर कोलन किसे बोलते हैं? जो पचित भोजन होता है ना उसको वेस्ट या फिर मल के अंदर जो भाग बदलता है उसको अपन कोलन बोलते हैं। और तीसरा है मलाशय, मलाशय या फिर मलाशय अपचित भोजन जो मतलब पूरी तरह से पूरी शरीर के अंदर घूम गया भोजन, जो अपचित भोजन रह गया उसको फिर उसमें कुछ श्लेष्मा ग्रंथि द्वारा श्लेष्मा स्त्रावित करके उसको लसलसा बना के गुद्दा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकालना, ये इसका मेन मकसद, मेन काम मलाशय का है अर्थात रेक्टम का है। तो प्यारे बच्चों अपन पूरा पाचन तंत्र देख लिया। पाचन तंत्र के अंदर स्टार्टिंग के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर एक तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ पाचन तंत्र के दो पार्ट होते हैं। आहार नाल के अंदर तो अंग काम करते हैं और पाचन ग्रंथियों के अंदर एंजाइम और एंजाइम काम करते हैं। तो एंजाइम तो अब देखेंगे अपन आहार नाल के अंदर एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं इस और चित्र को एकदम अच्छी तरह से वापस समझ लेते हैं। तो ये अपना मुख से यदि अपन किसी भी चीज़ को खाते हैं फिर तो सबसे स्टार्टिंग के अंदर दांत काम करते हैं। दांत 4 प्रकार के बताए थे मैंने, कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। कृतनक का काम बता दिया, चारों का काम बता दिया। फिर भोजन आता है ग्रसिका में। ग्रसिका प्यारे बच्चों पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट होता है। इसके अंदर एक एपिग्लोटिस नाम का घाटी डक्का नाम का होता है जो श्वसन नली को बंद कर लेता है और भोजन को आगे जाने देता है। उसके बाद भोजन आता है अपने आमाशय के अंदर और जो आमाशय के ऊपर लेयर पाए जाते हैं उसको अपन डायफ्राम, डायफ्राम बोलते हैं अर्थात जो फेफड़े होते हैं ना उसी को अपन डायफ्राम बोलते हैं।
फिर भोजन आमाशय के अंदर 3 से 4 घंटा रुकता है और उसके अंदर एसीएल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है, जिससे भोजन का अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। और जो आमाशय के ऊपर ये अंग दिख रहे हैं इसको अपन पित्ताशय बोलते हैं, और पित्ताशय से पीतरस का स्त्रावित होता है, पित्ताशय से पीतरस का स्त्रावित होता है। इसके बाद में भोजन आएगा छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत को भी अपन ने 3 भागों में बांटा, उसको एकदम सरल तरीके से समझा। उसके बाद भोजन आएगा बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर भी कुछ खास पाचन नहीं होता, और जो अपचित भोजन रहता है उसका पाचन कर बड़ी आंत करती है। और फिर जो सबसे लास्ट में जो अपचित भोजन रहता है उसको फिर गुदा द्वार द्वारा मलाई से बाहर निकाल देता है। तो ये पूरी पाचन तंत्र की संरचना है, और पूरा पाचन तंत्र अपन ने अच्छी तरीके से एकदम सरल तरीके से समझा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एसएस राठौड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र। तो मानव तंत्र एक बहुत बड़ा वेटेज 6 नंबर का चैप्टर है, तो इसको इसमें सबसे पहले अपन ने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया था। पाचन तंत्र की पूरी हर एक लोकेशन के साथ अंग को देख लिया था कि कौन सा अंग कौन सी जगह है। तो उसके अंदर अपन ने ये जाना था कि आखिर अपन भोजन क्यों करते हैं। तो प्यारे बच्चों, भोजन अपन शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए अपन भोजन करते। तो आज देखेंगे अपन श्वसन तंत्र अर्थात श्वसन क्यों करते हैं, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता हुई शरीर को कि अपन को श्वसन कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो जो पूरी प्रोसेसिंग है वो एक पूरी चित्र के माध्यम से, पूरी हर एक लोकेशन के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा श्वसन तंत्र के अंदर कौन सा अंग कहाँ पे है और क्या काम करता है। तो आइए देखते हैं अपन श्वसन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, जो भी अपन भोजन खाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, तो उसको ऊर्जा की फॉर्म में बदलने के लिए अपने को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा ना, तो ही एटीपी के रूप में ऊर्जा बनेगी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस पूरी प्रोसेसिंग के में अंदर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए अपन वायुमंडल से श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं श्वसन किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा। तो श्वसन, तो भोजन के ऑक्सीकरण के लिए, मतलब जो अपन ने ग्लूकोज की फॉर्म में कुछ खाया तो उसका ऑक्सीकरण होगा, तो ये अपने एटीपी के रूप में ऊर्जा बनेगी। तो उसके ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से, भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से O2 अर्थात ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं। जब ऑक्सीजन संयोग करेगी तभी तो एटीपी का निर्माण होगा और शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो एक एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। और इस ऑक्सीकरण के दौरान, और जो ये पूरी प्रोसेसिंग हुई, इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न CO2, मतलब जैसे ही अपन अंदर ऑक्सीजन लिया फिर एटीपी के अंदर ऊर्जा का कन्वर्ट हुआ, तो इस पूरी प्रोसेसिंग के अंदर एटीपी का निर्माण हो गया। और पूरी ऑक्सीजन जैसे अंदर लेंगे तो अंदर CO2 का निर्माण भी होगा, तो CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ये पूरी प्रोसेसिंग है ना, यही श्वसन के अंदर आती है। तो प्यारे बच्चों, श्वसन तंत्र हर एक प्राणी के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर होता है, लेकिन जो अपने इंपॉर्टेंट है, जो अपने काम का है, वह है मानव श्वसन तंत्र, क्योंकि मानव श्वसन तंत्र ही अपने सिलेबस के अंदर है। तो अब देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा डायग्राम है मानव श्वसन तंत्र का। इसके अंदर हर एक अंग दर्शाया गया है कि श्वसन तंत्र कहाँ से हो और कौन कौन से अंग इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कौन से अंग का क्या कार्य है, और पूरा एकदम अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। शायद ही आपको इस YouTube की दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले चित्र ही समझते हैं कि चित्र के अंदर कौन सा अंग कौन सी जगह है, पूरी लोकेशन पूरा पोस्टमार्टम करेंगे श्वसन तंत्र का। तो आइए देखते हैं, सबसे स्टार्टिंग के अंदर नासिका। जिस प्रकार प्यारे बच्चों अपना पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग कौन सा था, पिछली क्लास में बताया था मैंने, पाचन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग था मुख, मतलब पाचन का सब मुख से पाचन तंत्र स्टार्ट होता था। उसी प्रकार प्यारे बच्चों श्वसन तंत्र का स्टार्ट नासिका, मतलब अपने नाक से होता है। उसके बाद श्वसन, फिर आगे ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, श्वास नली से अपने मानव के अंदर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी के अंदर कितने, 2 फेफड़े होते हैं। और आगे श्वास नली श्वसनी के अंदर, मतलब ये आगे 2 भागों में बट गई, ये पूरी एल्वेली पूरी कुपिकाएँ पसली हैं। अब अपन एक एक करके देखेंगे अपना मानव श्वसन तंत्र कितने प्रकार का होता है और इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, अपना मानव श्वसन तंत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए, कि अपने अध्ययन आसानी से कर
तो इसके लिए उसको तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? तीन भागों। तो इसके अंदर पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। सबसे पहले अपन समीकरण देख लेते हैं कि किस प्रकार ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा और किस प्रकार अपने शरीर के अंदर CO2 बनेगी और ATP के रूप में ऊर्जा बनेगी और किस प्रकार H2O बनेगा। तो एक बार अपन समीकरण देख लेते हैं। आइए पहले बच्चों, यह समीकरण श्वसन का। तो ये अपने कुछ भी खाएंगे तो ग्लूकोज की फॉर्म में फॉर्म के अंदर अपने शरीर के अंदर जाएगा। तो जैसे ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, जैसे ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो अपने शरीर के अंदर CO2 का निर्माण होगा। किसका होगा? CO2 का। उसके बाद ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा पहले बच्चों अपने शरीर के अंदर ATP के फॉर्म में बनती। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिस ट्राई फास्फेट। क्या होती है? एडिनोसिस ट्राई फास्फेट। उसके बाद H2O। तो ये पूरी प्रोसेसिंग अपने श्वसन के अंदर होती है। तो अपन पढ़ रहे थे मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र को तीन भागों में बांटा अपन ने। कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। उसके बाद निचला श्वसन तंत्र। उसके बाद तीसरा श्वसन मांसपेशियां। कितने भागों में? तीन भागों में। पहले ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। तो आइए देखते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र कौन सा है, निचला कौन सा है और श्वसन मांसपेशियां कौन सी। तो पहले बच्चों ऊपरी श्वसन तंत्र है ना, वो तो जो अपने गर्दन से ऊपर के अंग श्वसन के अंदर जो अंग भागीदारी निभाते हैं, कि गर्दन से ऊपर के जो श्वसन अंग है ना उसको तो अपन ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर, जो गर्दन से नीचे जितने भी श्वसन अंग काम आते हैं उनको निचला श्वसन तंत्र, और जो अपने शरीर के अंदर ऐसी मांसपेशियां जो श्वसन तंत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसी मांसपेशियां जो श्वसन तंत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उनको अपन श्वसन मांसपेशियां के अंदर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से तंत्र अंग आखिर ऊपरी श्वसन तंत्र में होते हैं, निचला श्वसन तंत्र में, और कौन कौन सी ऐसी मांसपेशियां हैं जो श्वसन मांसपेशियां हैं। तो आइए एक एक को देखते हैं। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। तो इसके अंदर पहला अंग है नासिका। पहला अंग कौन सा है? नासिका। नासिका मतलब नाक। तो प्यारे बच्चों नासिका है ना, नासिका के अंदर एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं। कितने जोड़ी? एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं। नासा द्वार मतलब जो छिद्र दिखते हैं ना आप नजर आ रहे हैं उसको अपन नासा द्वार बोलेंगे, और एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं, और ये नासा द्वार आगे जाके नासा गुहा से जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए रहते हैं? नासा द्वार से। नासा द्वार नासा गुहा से। तो इस पूरी प्रोसेसिंग के बीच अपने नासिका के अंदर, अपने नाक के अंदर कुछ छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि। अब आप पूछोगे सर इसका काम क्या है? तो प्यारे बच्चों इनका काम है जो भी अपन वायु श्वसन के द्वारा वायु अंदर लेते हैं तो इसके अंदर जो भी धूल के कण है, जो भी फफूंद है, या फिर जो भी अपन बाहर से कण वगैरह लेते हैं तो उनको अपने एकदम फिल्टर करके अंदर, कि अपने श्वसन को एकदम फिल्टर करने का काम यही करती। तो नासिका देख ले कि नासिका के अंदर एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं और ये नासा द्वार नासा गुहा में जाते, नासा गुहा से जुड़ी हुई रहती है, और इसके अंदर महीन महीन वाल पाए जाते हैं और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती। इनका काम यह है कि जो भी धूल के कण या फिर फफूंद वगैरह जाती है ना उनको रोकने का, मतलब श्वास को फिल्टर करने का काम यही करती। मेन पूरा अपने जो भी गैसें लेते हैं ना अंदर उनको एकदम फिल्टर करके ही अंदर भेजती है। तो नासिका हो गई। अब हो गया मुख। तो प्यारे बच्चों अपने मुख भी है ना श्वसन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन के अंदर मुख है ना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब मान लो कभी कभार आपको नाक से श्वास नहीं आए, जैसे मान लो आपको जुकाम लगी तो उस टाइम आप मुख से श्वास लेते हो। किससे लेते हो? मुख से। तो मुख से श्वास लेते हो पर जितना नासिका से श्वास लेना बेस्ट है ना उतना मुख से नहीं है, क्योंकि नासिका से तो एकदम पूरा फिल्टर होकर श्वास जाता है, फिल्टर होकर पूरी गैसें जाती, लेकिन मुख से तो पूरी की पूरी ऐसे ही जाएगी। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है? नासिका। तीसरा अंग है ग्रसनी। ग्रसनी तो प्यारे बच्चों ग्रसनी अपने श्वास नली और पाचन तंत्र, श्वास नली और आहार नली दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट होता है। आहार नली और श्वसन नली दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट होता है, क्योंकि इसी के अंदर तो अपन जो भी कुछ भोजन वगैरह लेते हैं तो इसी नली के अंदर तो भोजन जाएगा और इसी नली के अंदर श्वास जाएगा। तो इसके अंदर एक एपिग्लोटिस या फिर घाटी डक्कन नाम का उत्कों का एक पल्ला होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस या फिर घाटी डक्कन, जो एक स्विच की तरह काम करता है। अब मान लो अपन ने भोजन ग्रहण किया तो जब भोजन जाएगा ना तो श्वास नली को बंद कर लेगा, और जब श्वास जाएगा तो भोजन नली को बंद कर लेगा। तो एक स्विच की तरह काम करता है। किसकी तरह? स्विच की तरह। फिर आ गया स्वर यंत्र। स्वर यंत्र अपन देसी भाषा में बोले तो कंठ।
जिससे अपन ध्वनि उत्पन्न होती है, जो अपन बोल रहे हैं ना वो इसी का चमत्कार है। यदि स्वरयंत्र नहीं होंगे ना तो अपन बोल नहीं सकेंगे। ये हो गया अपना ऊपरी श्वसन तंत्र का कंप्लीट। अब आगा निचला श्वसन तंत्र। कौन सा निचला श्वसन तंत्र? तो इसमें श्वास नली, श्वसनी या फिर फेफड़े, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। श्वास नली क्या होती है प्यारे बच्चों? जो ये लैरिंग्स है ना कंठ, तो इनसे जो ये पतली और महीन नली है ना, इसको अपन श्वास नली बोलेंगे। इसके अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम और एकदम लचीली होती है। इसके कारण इसमें क्या सी आकार के छल्ले डाले जाते हैं, जिससे क्या अपन जैसे श्वास लेते हैं तो पिचके नहीं, ये आगे जाके दो भागों में बढ़ती है, जिसको अपन श्वसनी या फिर ब्रोंकाइट बोलते हैं। और अपने शरीर के अंदर दो जोड़ी दो फेफड़े अर्थात एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। और जो ये श्वसनी है ना, श्वसनी आगे एल्वियोली मतलब कूपिकाओं में, और जो ये छोटी छोटी दिख रही है ना आप, इसको अपन बोलेंगे पसलियाँ। पसलियों का क्या काम होता है प्यारे बच्चों? पसलियाँ अपने फेफड़े और ये पूरा तंत्र इनको एकदम सेफ्टी प्रदान करती है, एकदम सेफ्टी प्रदान करती है कि अपने इनको कुछ नुकसान ना हो। और ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम का भी प्यारे बच्चों अपने श्वसन के अंदर बहुत बड़ा योगदान। डायफ्राम भी अपने जैसे अपन श्वास अंदर लेते हैं ना, तो डायफ्राम एकदम सिकुड़ जाता है। जैसे एक बार लेके देखो, श्वास आप अंदर लोगे ना तो डायफ्राम सिकुड़ जाएगा, और श्वास जैसे बाहर छोड़ोगे ना तो डायफ्राम एकदम अपनी रिलैक्स अवस्था में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अपन ने पूरा देख लिया कि नासिका के बाद ग्रसनी श्वास नली और पाचन तंत्र या फिर आहार नली दोनों का उपनिष्ठ पार्ट होता है। फिर श्वास आया कंठों या फिर लैरिंग्स के अंदर, इससे आगे श्वास नली, ये होती है श्वास नली। श्वास नली के अंदर सी आकार की उपास्थियाँ फिर यह वल्ल्य पाए जाते हैं, जो क्या है इसको पिचकने से बचाती है। क्या करने से? पिचकने से बचाती है। इसके बाद इसको दो भागों में बांट दिया, जिसको अपन श्वसनी कहते हैं। श्वसनी आगे जाके छोटी छोटी और भागों में बटके, जिसको अपन कूपिका कहते हैं। और अपने शरीर के अंदर एक जोड़ी अर्थात दो फेफड़े पाए जाते हैं। पैर बच्चों दोनों का आकार अलग अलग होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है इनमें से। और इनके चारों ओर पसलियाँ पाई जाती, 12 जोड़ी पसलियाँ अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती है, जो इस पूरे फेफड़ों को एकदम सेफ्टी प्रदान करती है। और नीचे डायफ्राम, तो एक एक की लोकेशन देखेंगे, एक एक के कार्य देखेंगे कि आखिर ग्रसनी का क्या काम है, इसके कार्य क्या है, और नासिका का क्या काम है, लेरिंग्स या कंठ का क्या काम है, श्वास नली का क्या काम है, श्वसनी या फिर ब्रोंकाई का क्या काम है, फेफड़े क्या काम, इनका वजन क्या है, इनके छोटे होते हैं बड़े होते हैं, इनकी आकार क्या है। और ये देखेंगे श्वास नली की आखिर लंबाई कितनी होती है, और जो अपने ये देखेंगे लेरिंग्स कितनी उपास्थियों से मिलके बने होते, कितनी उपास्थियों से मिलके बने, ये पूरा अपन एक एक करके अब डिस्कशन करेंगे। तो अब देखते हैं श्वसन तंत्र का एक एक अंग डिटेल से, कि कौन सा अंग ऊपरी श्वसन तंत्र में, कौन सा निचले श्वसन तंत्र में, और कौन सा श्वसन मांसपेशियों में। तो एक बार चित्र और देख लेते हैं कि प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ गले से जो ऊपर के अंग है ना, जैसे नासिका, ग्रसनी या फिर लैरिंग्स, ये तो आएंगे ऊपरी श्वसन तंत्र में। और जो कंठों से नीचे के तंत्र है ना, जो जैसे श्वास नली, श्वसनी और डायफ्राम, कूपिकाएँ, फेफड़े, ये आएंगे निचले श्वसन तंत्र में। और ये नीचे वाला पार्ट, ये जो मांसपेशी है ना, जैसे पसली और डायफ्राम, ये आएंगे श्वसन मांसपेशियों में। तो इनका एकदम विस्तृत तरीके से देखेंगे कौन कौन से अंग कहाँ का, और उनकी पूरी लोकेशन के साथ समझेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ेंगे अपन। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग है नासिका। नासिका बोले तो नाक। तो प्यारे बच्चों जिस प्रकार अपने पाचन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग मुख होता है, उसी प्रकार अपने श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख और सबसे पहला अंग होता है नाक। तो प्यारे बच्चों नाक यह श्वसन तंत्र का पहला अंग है। तो चित्र के माध्यम से देखेंगे, देखो ये नासिका है, इसमें एक जोड़ी नासा द्वार होता है, इसमें एक जोड़ी नासा द्वार होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर नासा द्वार क्या होता है? जो ये छिद्र दिख रहे हैं ना दो, वह उनको अपन नासा द्वार बोलेंगे साइंस की भाषा में। और नासा द्वार के पीछे नासा गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नासा गुहा। नासा द्वार के पीछे नासा गुहा पाई जाती है। और जो ये नासा गुहा होती है ना प्यारे बच्चों, इसके अंदर छोटे छोटे महीन एकदम बारीक बारीक बाल पाए जाते हैं, और श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। और क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब इनका क्या काम होता है? तो इनका काम होता है प्यारे बच्चों, कार्य होता है जब अपन श्वास लेते हैं, जब अपन वायुमंडल से श्वास लेते हैं, तो इनके साथ
छोटे छोटे धूल के कण भी जाएंगे, फफूंद भी जाएगी, तो उनको रोकने का काम और अपने श्वास को एकदम प्यूरीफाई या फिर फिल्टर करने का काम करेगी, जिससे शुद्ध वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और ये पूरा अपने नासिका का काम होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र का दूसरा अंग है मुख। तो प्यारे बच्चों, आप जितने भी अंग पढ़ रहे हो तो उनको एक बार चित्र से रिलेटेड करके पढ़ोगे ना तो उतनी ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले नासिका देख ली, अब ये मुख। तो मुख ये श्वसन तंत्र का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, श्वसन तंत्र का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, पर यह आवश्यकता पड़ने पर, मुख आवश्यकता पड़ने पर श्वसन का काम भी करता है। जैसे प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि आप नाक से श्वास नहीं ले पाते, जैसे कभी जुकाम हो गई तो जब मुख से भी श्वास लेते हो कभी कभार, लेकिन प्यारे बच्चों जो आप नाक से श्वास लेते हो ना वो एकदम शुद्ध होता है, और जो मुख से श्वास लेते हो ना वो उतना शुद्ध नहीं होता जितना नाक से। जिस प्रकार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके नाक के अंदर तो श्लेष्मा ग्रंथियां भी पाई जाती और छोटे छोटे बाल भी पाए जाते, जिससे क्या एकदम जो भी श्वास लेते हो वो एकदम फिल्टर होकर अंदर जाता है, लेकिन मुख से तो श्वास एकदम सीधा जाता है, इसलिए परंतु मुख द्वारा ली गई श्वास शुद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार अपने नासिका से लिया हुआ श्वास सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए जितना हो सके नासिका से श्वास लेना चाहिए। तो ऊपरी श्वसन के अंदर तीसरा अंग है ग्रसनी। क्या है ग्रसनी? तो ग्रसनी को सबसे पहले अपन चित्र के माध्यम से उसकी लोकेशन जानेंगे कि आखिर ग्रसनी कहाँ पाई जाती है। तो ग्रसनी पहले बच्चों जो कंठ लैरिंग्स है ना, इससे जस्ट ऊपर एक छोटी पतली और पेशियों की चिकनी नलिका पाई जाती है, एक चिकनी नलिका पाई जाती है। लोकेशन हो गई इसकी, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक छोटी पतली और पेशियों की चिकनी नलिका पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसको तीन पार्टों में बांटा है अपन ने, एक नासाग्रसनी, दूसरा मुखग्रसनी और तीसरा कंठग्रसनी। नासाग्रसनी जो नाक से जुड़ी हुई होती है, मुखग्रसनी अपने मुख से जुड़ी हुई रहती है, और कंठग्रसनी जो कंठ या लैरिंग से जुड़ी हुई रहती है। तो प्यारे बच्चों, नासिका है ना, अपने आहार नाल और श्वसन तंत्र, आहार नाल और श्वसन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ भाग होती है, क्योंकि इसके अंदर एक एपिग्लोटिस या फिर घाटी ढक्कन नाम उत्कों का पल्ला पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस फिर घाटी ढक्कन, ये यहाँ पाया जाता है। तो इसका काम क्या है? ये भोजन को श्वास नली और भोजन को तो श्वास नली और श्वास को आहार नाल इसमें जाने से रोकता है। जिस प्रकार मान लो ये आहार नाल है और ये श्वास नली है, ये आहार नाल है और ये श्वास नली है, भोजन को तो श्वास नली में जाने से रोकता है और श्वसन को आहार नली में जाने से रोकता है। तो ये एक स्विच की तरह काम करता है। मान लो भोजन आया, भोजन इस नली में जा रहा है तो ये श्वास नली को बंद कर लेगा, और जब श्वास आएगा ना तो आहार नली को बंद कर लेगा। इस प्रकार एक स्विच की तरह काम करता है। जिस प्रकार अपना एक स्विच काम करता है ना, उसी प्रकार ऊपरी श्वसन तंत्र का चौथा और लास्ट अंग है स्वर यंत्र, अर्थात लैरिंग्स, या फिर अपन देसी भाषा में बोले तो कंठ। तो पहले बच्चों कंठों की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये लोकेशन लैरिंग्स या फिर स्वर यंत्र, तो यहाँ से अपनी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी अंग का कमाल है, इसी अंग का चमत्कार है कि अपन बोल पाते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये कंठग्रसनी जो अपन ने ऊपरी ग्रसनी के अंदर पढ़ा था ना कि ग्रसनी तीन प्रकार की होती है, जो उसमें जो कंठग्रसनी होती है, तो ये कंठग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। इसका क्या काम है? कंठग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। और ये है ना स्वर्यंत्र, ये नौ प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है, नौ प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर नौ प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती है, और इसके अंदर श्लेष्मा झिल्लियाँ, इसमें स्वर्यंत्र के अंदर श्लेष्मा झिल्लियों की बनी एक संरचना होती है। जैसे अपने प्याज के ऊपर झिल्ली होती है ना, उसी प्रकार श्लेष्मा ग्रंथियों की बनी एक झिल्ली होती है, जिसको अपन स्वर रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर रज्जु। और इसी श्लेष्मा झिल्लियों में कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन उत्पन्न होने की वजह से ही अपने अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है, अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है इसकी। तो स्वर्यंत्र देख लिया, इस प्रकार अपना ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अपन सेकंड प्रकार का। तो श्वसन तंत्र का दूसरा पार्ट है निचला श्वसन तंत्र। तो निचला श्वसन तंत्र प्यारे बच्चों, जो अपने कंठ या फिर लैरिंग्स है ना, इससे नीचे का जितने भी अंग काम करते हैं श्वसन के अंदर, वो है निचला श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता। तो उसके अंदर सबसे पहले और पहला अंग है श्वास नली। तो श्वास नली की लोकेशन देखेंगे कि प्यारे बच्चों श्वास नली कहाँ पाई जाती है अपने श्वसन तंत्र के अंदर। तो श्वास नली प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रही है ना, कंठ या फिर ग्रसनी से लेके नीचे श्वसनी तक, तो ये पूरी लंबाई 5 से 6 इंच की होती है। कितनी? 5 से 6 इंच की एक लंबी पतली और पेशियों की बनी एक नलिका होती है, लंबी पतली और पेशियों की नलिका बनी होती मिल एक नलिका बनी होती है। और ये जो नलिका होती है, इसके अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के उपास्थियों के छल्ले पाए जाते हैं, जिससे कि अपन श्वास लेते हैं ना तो पिचकने का डर नहीं रहता। कि मान लो
तो इसकी डेफिनेशन है कि ये एक लंबी पतली और पेशियों की बनी नलिका होती है, इसमें सी आकार की उपास्थियाँ या फिर वले पाए जाते हैं, और इन सी आकार के उपास्थियों का काम क्या है, ये इनको आपस में चिपकने से रोकती है। क्या करती है, इनको आपस में चिपकने से रोकती है। जैसे ये एकदम पतली सी है, ये मान लो अपन एकदम से श्वास ले तो चिपक जाती है, क्योंकि एकदम उपास्थियों की बनी होती है। और इनके श्वास नली का काम क्या है, ये श्वास नली का मेन काम ये श्वास को अपने कंठों से, गर्दन से, वक्ष स्थल होता है प्यारे बच्चों, पेट से गर्दन के बीच का भाग होता है ना, पेट से गर्दन के बीच का भाग होता है, उसको अपन वक्ष स्थल बोलते हैं। तो इसका काम, मेन काम है श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाता है। और ये श्वास नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली यहाँ देखो चित्र के अंदर देखो, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। श्वास नली यहाँ तक आई, फिर यहाँ से दो भागों में बट गई। इनको अपन बोलेंगे प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलेंगे, प्राथमिक श्वसनी या फिर श्वसनी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे ब्रोंकाई। तो अब आगे बढ़ेंगे अपन श्वसनी। तो निचले श्वसन तंत्र का दूसरा अंग है श्वसनी, श्वसनी या फिर ब्रोंकाई। तो प्यारे बच्चों, जिस जैसे ही अपने श्वसनी नीचे वक्ष स्थल के अंदर आई, वक्ष स्थल के अंदर आके दो भागों में बढ़ती है। श्वास नली वक्ष स्थल में प्रवेश करने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, और जो प्रत्येक भाग है ना, दोनों ओर के भाग, इनको अपन श्वसनी या फिर ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी या फिर ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये श्वसनी या फिर ब्रोंकाई अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में, जैसे ये बायां और ये दायां, दोनों अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में, ये इस फेफड़े में आ गई और ये इस फेफड़े में आ गई, दोनों अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करेगी। और जो प्रवेश करने के बाद छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है ना, जैसे ये इधर की श्वसनी, इसके भी अलग अलग भाग है, और इसकी यो इस साइड की श्वसनी, इसके भी अलग अलग भाग है, और ये अपने छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है। तो इन्हीं छोटे छोटे भागों को अपन बोलेंगे कूपिका। तो जैसे श्वास नली आई, श्वास नली को दो भागों में श्वसनी बट गई, एक तो इस साइड वाली, और दोनों ओर के अपने अपने फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद इनके भी उपभाग बट गए, और जो उपभाग का लास्ट भाग है ना, उसको अपन कूपिकाएं बोलते हैं। और यहीं से अपन ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, यहीं से पूरा गैसों का विनिमय होता है। तो अब देखेंगे अपन श्वसन या फिर निचला श्वसन तंत्र का लास्ट और अंतिम पार्ट है फेफड़े। तो प्यारे बच्चों, फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, अर्थात दो फेफड़े पाए जाते हैं अपने, एक तो बायां फेफड़ा, एक दायां फेफड़ा। तो एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, और इनका आकार एक कोमल और लचीले होते हैं। कैसे होते हैं, कोमल और लचीले होते हैं। और इनका रंग कैसा होता है, फेफड़ों का रंग हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है, हल्का गुलाबी। और प्रत्येक फेफड़े में 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है। और कूपिकाओं का कार्य गैसों का विनिमय करना, गैसों का आदान प्रदान, जैसे O2 लेना और CO2 छोड़ना। और अपना बायां फेफड़ा है ना, उसके तो दो खंड होते हैं, और जो दायां फेफड़ा है ना, उसके तीन खंड होते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, अपने पूरे श्वसन तंत्र का एकदम पोस्टमार्टम करके, हर एक अंग का पूरी लोकेशन के साथ जानकारी ली, कि सब स्टार्टिंग अंतर नासिका, नासिका के बाद मुख, मुख के बाद अपन ने देखी ग्रसनी के बाद लेरिंग्स या फिर कंठ, उसके बाद अपने श्वास नली देखी कि श्वास नली आगे आगे दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको अपन श्वसनी बोलते हैं, अर्थात ब्रोंकाई। प्रत्येक ब्रोंकाई या फिर प्रत्येक श्वसनी एक फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है, और ये श्वसनली आगे जाके कूपिकाओं में विभक्त हो जाती है। और तो इस प्रकार अपने पूरे श्वसन तंत्र, पूरे अपने मानव श्वसन तंत्र का एकदम इजी तरीके से अध्ययन किया। तो प्यारे बच्चों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और यदि आप हमारे वीडियो पर, आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं SS राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के अंदर अपन ने जो सबसे ज्यादा नंबरों का और जो आपके कक्षा 10 के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, वो चैप्टर अपने स्टार्ट किया था। कौन सा, मानव तंत्र। मानव तंत्र आपके लगभग बायोलॉजी के जो चार चैप्टर, उनमें सबसे ज्यादा और सबसे 50% यदि ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया हो गया ना अपना, तो 50% सिलेबस बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा था मानव तंत्र। तो मानव तंत्र या फिर मानव का शरीर, तो तंत्र क्या होता है। तंत्र की मैंने एकदम पूरी बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया था कि अंगों का वह समूह जो एक विशेष प्रकार का काम करता है। क्या, अंगों का एक ऐसा समूह जो विशेष प्रकार का काम करता है, उसे ही अपन तंत्र बोलते हैं। तो अपन ने तंत्र 1x1 करके अपने मानव शरीर के तंत्र पढ़ लिए थे। उसमें सबसे पहला तंत्र पढ़ा था पाचन तंत्र, फिर पढ़ लिया था श्वसन तंत्र, और आज पढ़ेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। कौन सा, रक्त एंड परिसंचरण तंत्र। तो प्यारे बच्चों,
स्टार्टिंग में अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है, हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा रहता है। यदि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप आगे ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ पाओगे। तो हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना जरूरी है। तो अपन ने पाचन तंत्र के अंदर देखा था कि अपन जो भी कुछ खाते पीते तो उसके अंदर ग्लूकोज फॉर्म रहती है। कौन सी फॉर्म? ग्लूकोज फॉर्म में अपन खाते हैं। और श्वसन तंत्र में क्या देखते हैं अपन? उस ग्लूकोज फॉर्म को, जो अपन ग्लूकोज फॉर्म शरीर के अंदर ली, उसको अपन ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। किसकी? ऑक्सीजन की, O2 की आवश्यकता पड़ी। तो वो अपन ने श्वसन के माध्यम से कंप्लीट कर ली। तो अपना पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया और श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया। तो अब एनर्जी मिल गया ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो अब अपने शरीर के अंदर बनेगा रक्त। क्या बनेगा? ब्लड। तो अब अपन पढ़ेंगे ब्लड और परिसंचरण तंत्र, मतलब अपने पूरे शरीर के अंदर खून का किस प्रकार परिवहन होता है, किस प्रकार पूरे अपना खून हृदय के अंदर जाता है, हृदय से किस प्रकार सिरा और धमनी में जाता है, और किस प्रकार अपने पूरे शरीर के अंदर रक्त का परिवहन होता है, कौन हर कोशिका के अंदर किस प्रकार रक्त पहुँचता है। तो अब अपन स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रक्त। रक्त एक समझने के बाद अपन परिसंचरण तंत्र को एकदम आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कि रक्त आखिर है क्या। तो प्यारे बच्चों रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब द्रव है, द्रव अवस्था के अंदर। और ऊतक एक कोशिकाओं का ऐसा, कोशिकाओं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, आप समझ में आएगा। फिर मानव में और रक्त का मेन काम क्या है? तो प्यारे बच्चों रक्त है ना, तो मानव में पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन होगी, विटामिन हो गया, तो ये मानव में पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन, पोषक तत्व तथा O2 को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्या काम करता है? जो भी पोषक तत्व है उनको प्लस ऑक्सीजन को ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तथा जो कोशिकाओं में जो भी अपन ने खाया पिया, तो वो जो अपने अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर के अंदर है, जो उपापचय क्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, तथा जो CO2 जो श्वसन के अंदर अपने ऑक्सीजन लिया, और जो पूरी परिसंचरण पूरे अपने श्वसन तंत्र के बाद के अंदर अपने CO2 पूरे श्वास के दौरान अपने CO2 बनी, उसका परिवहन मतलब उसको बाहर निकालता है। पहला काम तो क्या है? पोषक तत्व और O2 को अंदर, O2 को हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और उसके बाद क्या करता है? उपापची क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बना उनको प्लस CO2 का परिवहन बाहर करता है। तो अपन अब देखेंगे इसकी आखिरकार प्रकृति कैसी है, मतलब अपने रक्त की प्रकृति किस कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है, अपने शरीर के अंदर कितना लीटर मतलब कितने खून की मात्रा होती है, अपने शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है, और अपन ये देखेंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है, और ये देखेंगे जो अपन बड़े होने के बाद तो अपना खून का निर्माण किसी और जगह होता है, और अपन जब माँ के पेट में रहते हैं या अपन शिशु अवस्था में रहते हैं तो अपने खून का निर्माण कहाँ होता है, और फिर देखेंगे रक्त भी कितने प्रकार का होता है। तो रक्त के भी टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन देखेंगे रक्त की प्रकृति कैसी होती है। रक्त की प्रकृति मतलब रक्त अम्लीय या फिर क्षारीय। अम्लीय क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसका pH मान 7 से कम होता है। क्या होता है? जिसका pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय, और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है, जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय। तो इसका pH मान कितना है? 7 से ज़्यादा, 7.4, तो एक क्षारीय होगा। तो इसकी प्रकृति है हल्की क्षारीय। कौन सी? हल्की क्षारीय। इसका pH मान कितना है? 7.4। और इसका निर्माण कहाँ होगा? रक्त का निर्माण प्यारे बच्चों कहाँ होगा? रक्त का निर्माण एक लाल अस्थि मज्जा में होगा। किसमें होगा? लाल अस्थि मज्जा में। फिर अपने शरीर के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती, मतलब अपने पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर कितने लीटर खून पाया जाता है, कितने लीटर खून पाया जाता है? तो आइए देखते हैं बच्चों, 5 से 6 लीटर अपने शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है। फिर अपने मानव जब बच्चा शिशु अवस्था में रहता है, फिर माँ के पेट में रहता है, तो वहाँ उसके रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि मान लो बाहर तो अस्थि मज्जा में हो गया, पर जब अंदर
जब माँ के पेट में रहता है तो बच्चों अस्थि मज्जा में इनका निर्माण नहीं होता। तो जब भ्रूण अवस्था आता था नवजात शिशु मतलब छोटा बच्चा, तो उसमें जो खून का निर्माण होता है ना वो प्यारे बच्चों प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो खून का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ? लाल अस्थि मज्जा में। अपन ने नॉर्मल जितना भी इंट्रोडक्शन था पूरा ब्लड का पोस्टमार्टम किया है कि ब्लड आखिर कैसा प्रकृति क्या है, इसका पीएच मान कितना है, इसकी और ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है, अपन ने नॉर्मल डेफिनेशन देख ली। अब देखते हैं कि रक्त को कितने भागों में बांट, रक्त को अपन एक साइंस की भाषा में दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो द्रव है कि पूरा रक्त के अंदर द्रव है, पर उसके अंदर भी एक तो पूरा द्रव है और एक उसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं या फिर कणिकाएं पाई जाती, कॉर्पोसेल्स। क्या? कॉर्पोसेल्स। तो प्यारे बच्चों अपना रक्त है, रक्त मतलब ब्लड। तो ब्लड में एक तो द्रव अवस्था पाई जाती और ठोस अवस्था पाई जाती। पाया तो पूरा द्रव ही जाए पर उसके अंदर छोटे छोटे कुछ कण पाए जाते, तो अपन कणों को बोलेंगे ठोस भाग। क्या बोलेंगे? ठोस भाग। जो द्रव भाग होता है प्यारे बच्चों उसके अंदर प्लाज्मा, जो द्रव भाग होता है ना उसमें 55% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और फिर रक्त के अंदर 45% कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी? 45% कोशिकाएं पाई जाती है और 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में प्यारे बच्चों 92% जल होता है और जो बच के 8% वह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें कौन कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ 8% के अंदर आ जाएंगे। और जो फिर अपने कोशिकाएं हैं ना, कोशिकाओं को अपन तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। उसके अंदर पहला भाग आरबीसी, दूसरा भाग है डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। कौन कौन से? आरबीसी का मतलब लाल या फिर लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर भिमाणु या फिर प्लेटलेट्स। तो अब अपन बच्चों इनको एकदम विस्तृत तरीके से देखेंगे, इनको अपन एकदम विस्तृत तरीके से देखेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है और बिंबाणु क्या है, और इसको अपन एक एक करके विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो रक्त कोशिका या फिर रुधिर कोशिका अपने तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। तो तीन प्रकार की, उसके अंदर फर्स्ट है आरबीसी। आरबीसी को अपन हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। और अब इंग्लिश के अंदर बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या? रेड ब्लड सेल्स। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर अपन ये देखेंगे अपना मानव का रक्त लाल क्यों होता है और अपने मानव रक्त के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है, कौन सा आयन पाया जाता है। तो आइए एक एक करके, और इसका उपनाम क्या है, मेन तो इसका उपनाम क्या है, तो आइए देखते हैं लाल रक्त कणिका आखिर है क्या, इसका क्या काम अपने रुधिर के अंदर और किस प्रकार कार्य करती है। तो आइए प्यारे बच्चों, लाल रक्त कोशिका या फिर आरबीसी, आरबीसी का उपनाम है इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट। अब याद रखने की ट्रिक, इसके अंदर आर आ रहा है और ये इसे स्टार्ट हो रहा है, तो इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का उपनाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। ये प्यारे बच्चों आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए क्योंकि आरबीसी और लाल रक्त कोशिका तो सबको याद है, पर इरिथ्रोसाइट यहाँ आकर बंदा डाफा चुक हो जाता है यार, ये आरबीसी का है डब्ल्यूबीसी का है। तो आरबीसी का उपनाम है इरिथ्रोसाइट। तो इसका फिर काम क्या है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती। कौन सी प्रोटीन? आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती। तो इस प्रोटीन का काम क्या है? इस हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण ही अपने मानव रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और प्यारे बच्चों इस हीमोग्लोबिन के अंदर, अब इसके अंदर ग्लोबिन तो प्रोटीन पाए जाते और हीम धातु पाए जाते, तो हीम तो आयन पाया जाता है और ग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते। या आपके कक्षा 10th में नहीं है पर आप आगे की कक्षाओं में जाओगे ना तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो और जो आरबीसी है ना, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ये बहुत काम की चीज़ है प्यारे बच्चों। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, इसके अंदर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी कोशिकाओं में अपने केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। तो इसके अंदर आपको करके आना है आरबीसी। और अपने आरबीसी का जीवन काल मतलब ये 120 दिन तक जीवित रहती है। कितने दिन तक? 120 दिन तक जीवित रहती है। तो अपन ने देख लिया कि आरबीसी का उपनाम क्या है, आरबीसी का उपनाम है इरिथ्रोसाइट। फिर देखेंगे कि आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, इसी कारण लाल रंग की होती है और इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। रुधिर कोशिका के अंदर दूसरा भाग श्वेत रक्त कणिका है। दूसरा पार्ट कौन सा? श्वेत रक्त कणिका है।
अर्थात WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, कौन सी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको अपन WBC भी बोलेंगे। तो और इसका एक उपनाम जो एग्जाम में बहुत ट्रेड चल रहा है इसका, कि आजकल यही पूछ रहा है कि इसका उपनाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, श्वेत रक्त कणिका या फिर WBC है, उसका उपनाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। अब देखेंगे कि श्वेत रक्त कणिका का अपने रक्त के अंदर किस प्रकार काम रहता है। श्वेत रक्त कणिका अर्थात WBC का अपने रुधिर के अंदर क्या काम रहता है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार देश के लिए एक सैनिक काम करता है, जिस प्रकार देश के लिए एक सैनिक काम करता है, उसी प्रकार WBC अपने एंटीबॉडी बनाती है, कि जैसे कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो उससे लड़ने का काम करेगी, उससे लड़ने का काम करेगा। जिस प्रकार एक देश का सैनिक दुश्मन से लड़ता है, उसी प्रकार WBC अपने जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होती है उससे लड़ने का काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका काम है प्रतिरक्षा, मतलब शरीर की रक्षा करना। तो प्रतिरक्षा प्रदान करती है हमारे शरीर को, अर्थात एंटीबॉडी तैयार करती है। जिस प्रकार अभी कोरोना चल रहा है, तो यदि अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो अपनी अच्छी एंटीबॉडी बनेगी, और यदि इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी तो एंटीबॉडी वो बाहर से जो हानिकारक जीवाणु आएगा उसको मार नहीं पाएगा और वो अपने शरीर पर हावी हो जाएगा। तो इसका और इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। ब्लड का भी निर्माण यही होता था और इसका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। और WBC होती है ना प्यारे बच्चों, जो लाल रक्त श्वेत रक्त कणिका होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, जो RBC के अंदर पाया जाता था। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, जिसके कारण ये रंगहीन होती है, जिसके कारण ये रंगहीन होती है, मतलब WBC का कोई कलर नहीं होता। जिस प्रकार अपने खून का रंग लाल होता है, तो लाल RBC की वजह से होता है, WBC का तो कोई कलर नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके दिमाग में होगा, सर इसका जीवन काल क्या है? तो जिस प्रकार अपने देश के एक नौजवान, मतलब आर्मी के बंदे का कोई जीवन काल नहीं होता फौजी का, कि वो कभी भी शहीद हो सकता है, तो उसी प्रकार ये भी अपने एक शरीर की रक्षा करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी कभी भी मर सकता है। इसका कोई फिक्स जीवन काल नहीं होता और इसकी ये कोई फिक्स जगह नहीं होती, ये कहाँ मरेगा। तो अपन ने RBC देख ली, WBC देख ली, अब तीसरी कोशिका देखेंगे, बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स। रुधिर कोशिका या फिर ब्लड कोशिका का तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु। क्या है? प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु, और इसी का उपनाम है क्या? थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो पहले में जो तीसरा पार्ट है ना अपने, पहला RBC हो गया, दूसरा WBC हो गया, तीसरा है प्लेटलेट्स और बिंबाणु। तो इसकी संख्या अपने ब्लड के अंदर होती है 3 लाख प्रतिघन mm। कितनी होती है? 3 लाख प्रतिघन mm। और इसका काम क्या है? प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु का काम है अपने शरीर के अंदर रक्त में थक्का जमाने का। क्या काम है? रक्त का थक्का जमाने का, ब्लड क्लॉटिंग का काम। मान लो अपने कभी कुछ अंगुली या फिर हाथ पैर कट गया, तो उस जगह थोड़ी देर में अपन पकड़ के रखेंगे तो उस जगह थोड़ी सी एक रक्त की झिल्ली से जम जाएगी, तो वह ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है? बिंबाणु करता है। और इसका जीवन काल कितना है? इसका जीवन काल 10 दिन है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं प्यारे बच्चों, अपने जो डेंगू होता है, तो डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। किसकी संख्या? प्लेटलेट्स की संख्या। तो डेंगू को अपन हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होने की वजह से अपने रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। अपन ने RBC देख लिया, WBC देख लिया और प्लेटलेट्स, तो ये आपके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसको एक बार पूरा एक बार देख लेते हैं कि इसका उपनाम क्या है। RBC WBC तीनों को एक साथ देख लेते हैं एक बार। तो पहला देखा था अपन ने RBC रेड ब्लड सेल्स, दूसरा WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अपन बिंबाणु भी बोलते हैं। तो इसका उपनाम है, उपनाम तीनों का एक साथ देख लेते हैं जिससे कि आपने को पढ़ने में आसानी हो। पहला RBC का उपनाम इरिथ्रोसाइट, RBC इरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, और तीसरा और अंतिम है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का उपनाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। अब इसका जीवन काल देख लेते हैं। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। कितने होते हैं? 120 दिन। और WBC एक सैनिक की तरह काम करते हैं, तो सैनिक का कोई जीवन काल नहीं होता है। बच्चों, सैनिक तो कभी भी शहीद हो सकता है। और तीसरा और फाइनल है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 10 से 12 दिन, या फिर NCERT के अकॉर्डिंग 10 दिन। तो अपन ने रक्त देख लिया, रक्त की नॉर्मल डेफिनेशन देख ली, पूरा एकदम रक्त का पोस्टमार्टम करके कि रक्त कौन सा तरल से योनि ऊतक है, रक्त के कितने भाग होते हैं, रक्त का पीएच कितना होता है, इसकी प्रकृति क्या है, और रक्त के अंदर कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती है। ये रक्त के अंदर ही पाई जाती है RBC WBC और प्लेटलेट्स। अपने रक्त की
खून की जांच करते हैं, उसमें इन्हीं तीनों की जांच करते हैं कि आरबीसी की संख्या कितनी है, डब्ल्यूबीसी की कितनी है और प्लेटलेट्स की कितनी है। तो अब अपन देखेंगे कि अपने रक्त का काम क्या क्या है, रक्त के कार्य क्या है। तो बच्चों अब देखेंगे कि रक्त अर्थात ब्लड का कार्य अर्थात अपने शरीर के अंदर ब्लड किस प्रकार काम करता है, उसके क्या क्या उपयोग है। तो उसका स्पष्ट उपयोग है O2 तथा CO2 का परिवहन, ऑक्सीजन को तो अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को तो अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाना और जो हानिकारक गैस CO2 उसको बाहर मतलब वातावरण के अंदर छोड़ने का महत्वपूर्ण जो काम है वह अपना ब्लड ही करता है। कौन करता है? रक्त ही करता है। और उसका दूसरा काम है पोषक तत्वों को अंगों तक पहुंचाना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, खनिज लवण है, इनको अपनी आवश्यक जाइन की आवश्यकता होती है उन आवश्यक अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? अपने ब्लड का होता है। और तीसरा काम है शरीर का ताप नियंत्रण करना, अपने बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई सी भी ऋतु हो पर अपने शरीर का तापमान एक फिक्स रहता है कि 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे सर्दी में चेंज नहीं होगा और गर्मियों में भी चेंज नहीं होगा, एकदम ताप नियंत्रित रहता है। तो इसका काम कौन करता है? अपना ब्लड करता है। अब देखेंगे अपन ब्लड के प्रकार अर्थात कौन 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 से रक्त समूह होते हैं अपने ब्लड के अंदर। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे कि अपना रक्त अर्थात ब्लड के कितने प्रकार होते हैं अर्थात टाइप्स ऑफ ब्लड। तो इतनी आसान और इजी तरीके से आज आपको ब्लड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा प्यारे बच्चों, कि आज के बाद में आप आगे आपको कभी भी कन्फ्यूज नहीं रहेगा कि कौन सा अपना ब्लड ए है, कौन सा ब्लड बी है, कौन सा ए प्लस है, कौन सा ए माइनस है, पूरा एकदम बेसिक से इतनी आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आज के बाद कभी आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट जब भी आपके सामने आएगा तो पूरी एक बार पूरी फिल्म आंखों के सामने आ जाएगी। तो अपन आज अब देखेंगे कि रक्त के प्रकार। तो प्यारे बच्चों रक्त के प्रकार कितने प्रकार होते हैं और किस आधार पर इसका विभाजन होता है, कि किस आधार पर अपन बांट सकते हैं, कोई ना कोई बहस तो रहा होगा ना। तो आइए देखते हैं कि रक्त के प्रकार। तो प्यारे बच्चों रक्त अपने जो अभी अपन ने पढ़ा था कि अपने रक्त के अंदर आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो इसके अंदर जो आरबीसी पाई जाती है ना, कौन सी? रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो उसकी सतह पर आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाया जाता है। जैसे मान लो ये अपने आरबीसी है तो आरबीसी की ऊपर वाली सतह है ना, इसके ऊपर प्रतिजन या फिर एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन या फिर एंटीजन। और वो प्रतिजन और एंटीजन के आधार पर ही अपने रक्त का निर्धारण करते हैं कि रक्त कितने प्रकार का होता है। तो इसके आधार पर अपना रक्त चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का, ए बी ए बी और ओ। कौन कौन सा? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और फिर ओ ग्रुप। तो आइए अपन देखते हैं चारों ग्रुप के बारे में। तो प्यारे बच्चों मैं आपको पूछूंगी, बच्चों आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? क्या आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो आप किस आधार पे मेरे को जवाब दोगे कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ये है? तो आज आइए देखते हैं। पर यदि मान लो आपका ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो मैं आपको पूछूंगा तो आप इस आधार पर जवाब दोगे, यदि आपकी आरबीसी के ऊपर, यदि आपकी आरबीसी के ऊपर ए प्रतिजन पाया जाता है, ए प्रतिजन पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। और यदि आपकी आरबीसी के ऊपर बी प्रतिजन पाया जाता है, कौन सा प्रतिजन? बी प्रतिजन पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है। यदि आपकी आरबीसी की सतह पर, यह जो आरबीसी है इसकी यह सतह है और इसकी सतह पर यदि ए और बी दोनों प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरा ए बी ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी ब्लड ग्रुप है। और यदि इस आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, जो ये आरबीसी है इसकी सतह पर यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर कितनी प्रतिजन है, कितनी एंटीजन है? ए और बी। तो इस दो एंटीजन के अलावा भी अपने ब्लड के अंदर एक प्रकार की एंटीजन और पाई जाती है, कौन सी? आइए देखते हैं। तो ए बी के अलावा आरबीसी पर एक और प्रकार की प्रतिजन पाए जाते हैं जिसको अपन आरएच प्रतिजन बोलते हैं। कौन सी प्रतिजन? आरएच प्रतिजन। तो इस आरएच प्रतिजन के आधार पर ही अपना रक्त दो भागों में और बांटते हैं इसको। कितने भागों में? दो भागों में। तो आज तक आपको कंफ्यूज रहा होगा कि कौन सा ब्लड तो ए प्लस होता है और कौन सा ब्लड ए माइनस होता है, कौन जैसे कौन सा तो ए प्लस, कौन सा ए माइनस, कौन सा बी प्लस, कौन सा बी माइनस। तो आज आपके इस समस्या और इस डाउट का क्लियर करता हूँ प्यारे बच्चों। यदि आपके ब्लड के अंदर आरएच प्रतिजन पाया जाता है, तो आरएच प्रतिजन
यदि आपके शरीर में आरएच प्लस या फिर आरएच पॉजिटिव प्रतिजन है या फिर आरएच नेगेटिव, यदि आरएच पॉजिटिव है, यदि आपके ब्लड के अंदर आरएच पॉजिटिव उपस्थित है तो आपके जो भी ये ब्लड ग्रुप होगा, मान लो ए बी ए बी ओ, तो यदि आरएच पॉजिटिव आपके शरीर में उपस्थित है, आपके ब्लड के अंदर उपस्थित है, तो आपके प्लस वाला होगा। जैसे मान लो ए है तो ए प्लस हो जाएगा, बी है तो बी प्लस हो जाएगा, ए बी है तो ए बी प्लस हो जाएगा। और यदि आपके शरीर के अंदर ओ पॉजिटिव ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि आपके ब्लड के अंदर आरएच उपस्थिति नहीं है तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी है तो ए बी नेगेटिव, ओ है तो ओ नेगेटिव। तो इस आधार पर अपन ने पूरा रक्त का अध्ययन किया कि रक्त आखिर रक्त है क्या, रक्त कितने प्रकार का होता है, और रक्त के अंदर कौन कौन से समूह पाए जाते हैं, और उसका अपन निर्धारण किस प्रकार करते हैं। तो अपन ने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया बच्चों, अपन ने पूरा रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा चैप्टर देख लिया। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद प्यारे दोस्त। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एसएस राठौर आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंदर सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला जो चैप्टर था वो मानव तंत्र, वो अपन ने स्टार्ट किया था। और पिछली कक्षा के अंदर एकदम विस्तृत और एकदम इजी कॉन्सेप्ट से अपन ने हर एक तंत्र को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था, उसके अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। और आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछली कक्षा के अंदर बताया था साइंस एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हमेशा एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहते हैं। तो अपन ने जो तंत्र थे, जितने भी मानव के तंत्र थे, उनको हर एक तंत्र को अपने बेसिक मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ रहे थे कि अपने रियल लाइफ के वास्तव में तंत्र ऐसे ही काम करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अपन ने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था मानव तंत्र के अंदर पाचन तंत्र। तो जैसे जैसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई होता है उसी प्रकार अपन ने उससे रिलेट करके पढ़ा था। जैसे पाचन तंत्र, तो सबसे पहले अपन खाना खाते हैं, खाना खा लिया, उसके बाद अपने खाने जब खाना ग्लूकोज की फॉर्म में अंदर जाएगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा ग्लूकोज तो ये एटीपी की फॉर्म में जाएगा, तो ये ऊर्जा की फॉर्म में टूटेगा ग्लूकोज। तो फिर अपन ने पढ़ा श्वसन तंत्र, तो फिर श्वसन तंत्र और ग्लूकोज मिलकर एटीपी का निर्माण किया। इस प्रकार अपने पूरी प्रोसेसिंग के दौरान अपने शरीर के अंदर रक्त खून या फिर ब्लड का निर्माण हुआ। फिर पढ़ा अपने रक्त परिसंचरण तंत्र और अपने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बाद रक्त परिसंचरण, ये तीनों तंत्र पूरे अपने शरीर के अंदर काम करने के बाद लास्ट के अंदर बनेगा क्या? अपशिष्ट पदार्थ। क्या बनेगा? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो अपने शरीर के काम के नहीं, जो अपने शरीर यूज नहीं लेता, तो उनको अपना शरीर बाहर निकालेगा। तो वही अपना पूरा सिस्टम किसमें पड़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र। तो हर एक तंत्र अपने रियल लाइफ से कि अपने वास्तविक जीवन में किस प्रकार तंत्र अप्लाई होता है, किस प्रकार तंत्र काम करते, तो अपन क्योंकि एकदम इजी और कौन बेसिक लेवल यही होता है, क्योंकि अपन कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो लंबे लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अपन हर चीज़ को याद कर सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है प्यारे बच्चों, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। कौन सा? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था है ना, जो भी अपने शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बने, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, इन तीनों तंत्रों के दौरान जो भी अपने शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बने उनको बाहर निकालने की व्यवस्था, उन पूरे जो अपने यूज नहीं आ रहे उनको सबको बाहर निकालने की व्यवस्था ही उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं, क्या अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल, चौथा CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने जो CO2 है ना प्यारे बच्चों, CO2 तो उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से हो जाता है। किससे? फेफड़ों, जो अपने श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ लिया था। और जो बचे ये तीन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन तीनों को अपन क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। तो ये तीनों नाइट्रोजनी अपशिष्ट तो पढ़ेंगे अपन उत्सर्जन तंत्र के अंदर, और जो CO2 है, CO2 अपन ने उत्सर्जन श्वसन तंत्र के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो अपन NCERT के अकॉर्डिंग अब उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा देखेंगे, आखिर उत्सर्जन तंत्र कहते किसे। तो आइए अपन परिभाषा देखेंगे एकदम सटीक तरीके से। तो ये NCERT के अकॉर्डिंग परिभाषा है प्यारे बच्चों की, वह तंत्र जो शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मतलब ये तीनों अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, वह तंत्र जो शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आदि को
बाहर शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य करता है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, वही अपना क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। तो अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो अपन इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीव तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कौन से जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और कौन सा जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पूरा एकदम डिटेल और बेसिक और इतनी आसान तरीके से पढ़ेंगे कि कभी अपने को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अमोनिया कौन से जीव उत्सर्जित करते हैं, यूरिया कौन से जीव उत्सर्जित करते हैं और यूरिक अम्ल कौन से जीव उत्सर्जित करते हैं। तो आइए, तो जितने भी जीव होते हैं वह नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अपने उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मैंने अभी बताया था कि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार। तो पहला है, इसके अंदर क्या है, अमोनिया। कौन सा है, अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र या फिर फॉर्मूला है NH3। सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला है फिर सूत्र है NH3। तो इसका उत्सर्जन कौन 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 से जीव करते हैं, मतलब अमोनिया का उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अमोनिया, तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं। तो अमोनिया का उत्सर्जन एक तो जो जल के अंदर रहते हैं वो जीव, प्लस जो उभयचर, जो जल व स्थल दोनों पे रहते हैं। एक तो जो जल के अंदर रहते हैं वो जीव, एक वो जीव जो जल व स्थल दोनों पे रहते हैं अर्थात उभयचर, जैसे मेंढक हो गया, कछुआ हो गया। तो जल में रहने वाले जीव जैसे मछली, उभयचर, उभयचर मतलब कछुआ और मेंढक, ये दोनों के दोनों प्रकार के जीव किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। तो प्यारे बच्चों, अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अमोनिया NH3 उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर भरपूर जल की कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम जैसे जो अपने जल के अंदर रहते हैं तो उनके जल की क्या कमी है, इसलिए जो जल में रहते हैं फिर जो जल के टच में रहते हैं, जैसे जल और स्थल मतलब उभयचर दोनों रहते हैं, तो उनके जल उनके शरीर में तो कोई कमी नहीं रहती, तो हमेशा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अब देखेंगे दूसरा कि दूसरा अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है यूरिया। कौन सा है, यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो यूरिया का फॉर्मूला है CH4N2O। कौन सा है, CH4N2O। तो अब अपन ये देखेंगे यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं। तो वे जीव जो अपने शिशु को दूध पिलाते हैं, या मतलब जो स्तनधारी के अंदर कौन कौन से पशु और मानव, कौन कौन से पशु और मानव। अब इनके उत्सर्जन के लिए, यूरिया के उत्सर्जन के लिए ज्यादा आवश्यकता की, ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, एकदम नॉर्मल जल की आवश्यकता होती है। जैसे अपने अमोनिया में देखा था, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, अपने शरीर के अंदर बहुत आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में जल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एकदम नॉर्मल जल की आवश्यकता होती है। तो अपन ने अमोनिया देख लिया, यूरिया देख लिया, अब आगे का अपन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब अगला नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है यूरिक अम्ल। कौन सा है, यूरिक अम्ल। तो अपन ने अमोनिया देख लिया, यूरिया देख लिया, लास्ट और फाइनल है यूरिक अम्ल। अब यूरिक अम्ल अपने यूरिक अम्ल कौन कौन से जीव या फिर कौन कौन से जंतु उत्सर्जित करते हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से जीव आखिरकार इसका उत्सर्जन करते हैं। तो जितने भी प्रकार के अपने पक्षी है, जितना भी पूरा पक्षी जगत है, वो पूरे का पूरी सरीसृप और कीट, पक्षी सरीसृप कीट, जितने भी प्रकार के पक्षी वह सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, और पूरी सरीसृप प्रजाति इसका उत्सर्जन करती है, किसका, यूरिक अम्ल का। और जितने कीट पतंग है अपने, जितने भी वायुमंडल में, जितने भी अपने एटमोसफेयर इसके अंदर कीट पतंग पाए जाते हैं, वह सबके सब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन क्यों करते हैं प्यारे बच्चों, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देते, क्योंकि इसके उत्सर्जन के लिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है, इसके उत्सर्जन के लिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार यूरिया के लिए एकदम सामान्य जल की आवश्यकता होती है, अमोनिया के लिए सबसे मतलब अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार अपना जो यूरिक अम्ल है इसके उत्सर्जन के लिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। कभी कभार आपने पक्षियों को एकदम मलते आते हुए देखा होगा, एकदम बहुत कम जब आकाश में उड़ते हैं, आप पर कभी कभार पड़ा भी होगा, तो एकदम सबसे कम जल की आवश्यकता होती है वो होती है यूरिक अम्ल के अंदर। तो अपन ने उत्सर्जन तंत्र की नॉर्मल डेफिनेशन देख लिया, एकदम इंट्रोडक्शन देख लिया कि आखिर उत्सर्जन तंत्र है क्या, इसके अंदर कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने एक एक को एकदम सिंपल और इजी वे में देख लिया कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है, और इसके अंदर जल की क्या सिचुएशन रहती है कि जल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र तो हर एक जीव के अंदर पाया जाता है, जैसे जंतुओं में पाया जाता है, उभयचर में भी पाया जाता है, सरीसृप में भी पाया जाता है,
तो जो अपने काम की चीज है, जो अपने कक्षा 10 के सिलेबस के अंदर है, वो ओनली फॉर मानव उत्सर्जन तंत्र। कौन सा? मानव उत्सर्जन तंत्र। तो आगे अपन पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। तो अब अपने सिलेबस के अनुसार अपन पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। कौन सा? मानव उत्सर्जन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र में हर एक अंग को इतनी आसान और इतनी इजी वे में उसकी लोकेशन के अनुसार पढ़ेंगे, कौन सा अंग कौन सी जगह, पूरा उत्सर्जन तंत्र एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे कौन सा अंग आखिर कहाँ पाया जाता है, एकदम पूरी सिचुएशन के साथ, पूरी लोकेशन के साथ बता दूंगा। तो आइए अपन देखते हैं एक बार उत्सर्जन तंत्र का चित्र देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, तो इसके अंदर एक बार इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपके, कौन सा अंग को क्या नाम है। तो सबसे पहले ये चित्र दिख रहा होगा, तो इसके अंदर जो ये वर्कक या फिर किडनी, इसको हिंदी में तो अपन वर्कक बोलेंगे, उसके अंदर किडनी बोलेंगे। तो यहाँ से अपना आगे आएंगे तो ये जो नलिका दिख रही है बारीक बारीक, ये एकदम उत्कों की या फिर बारीक पेशियों की नली होती है, जिसको अपन बोलेंगे मूत्र वाहिनी है। कौन सी? मूत्र वाहिनी है। फिर आगे आएंगे तो ये जो ब्लैडर दिख रहा है, इसको अपन मूत्राशय, और जो लास्ट के अंदर मूत्र मार्ग। तो आइए इनको एकदम सिस्टम से देखते हैं कौन कौन से। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र शरीर से तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मानव का उत्सर्जन शरीर में जो भी तरल अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो अब इसके अंदर अंग कौन कौन से, तो मैंने तंत्र बताया था कि अंगों का एक ऐसा समूह है। तंत्र किसे कहते हैं? अंगों का एक ऐसा समूह जो विशेष प्रकार का काम करता है। ये पूरे अंग मिलकर विशेष प्रकार का काम करता है। क्या काम करते? उत्सर्जन का। तो उसे ही अपन तंत्र बोलेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में आखिर कौन कौन से अंग काम करते हैं। पहला अंग है वर्कक या फिर किडनी। इसकी लोकेशन क्या है? ये जो दो है ना, एक जोड़ी के अंदर वर्कक पाए जाते हैं अपने, उसके बाद में मूत्र वाहिनी है। तो ये मूत्र वाहिनी भी एक जोड़ी पाई जाती है, अर्थात दो, एक तो ये इन दोनों को अपन मूत्र वाहिनी है। तीसरा अंग मूत्राशय। कौन सा? मूत्राशय। तो जो ये ब्लैडर दिख रहा है आपको, ये थैलानुसंधान, इसको अपन बोलेंगे मूत्राशय। और चौथा और लास्ट के अंदर पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद इस मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकल जाता है। तो आइए अब एक एक अंग को देखेंगे कि वर्कक आखिर इसका रंग क्या है, वजन क्या है, इसकी लंबाई, इसके जितने भी काम है ना उनको अपन एकदम विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपने मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग वह है कौन सा? वर्कक अर्थात किडनी। तो किडनी अपने मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये है ना अपने 70-80% तरल अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। 70-80% तरल पदार्थों का उत्सर्जन करती है। तो आइए अपन किडनी की लोकेशन देखते हैं कि अपने मानव शरीर के अंदर किडनी कहाँ पाई जाती है, और उनके क्या क्या काम होते हैं, उनका रंग कैसा होता है, और उनका आकार किस प्रकार है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किडनी की लोकेशन क्या है। तो पहले बच्चों, जो है अपने उत्सर्जन तंत्र है ना, इसके अंदर ये जो दिख रही है ये किडनी है, इसके अंदर ये बायां वर्कक है, ये दायां वर्कक है। किडनी को अपन वर्कक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्कक। तो आइए अब इसकी एकदम बेसिक से इंट्रोडक्शन और बेसिक से जानकारी लेते हैं कि आखिर किडनी है क्या। तो पहले बच्चों, वर्कक और किडनी ये मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। क्या है? मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग, मतलब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी अंग की रहती है। क्यों? क्योंकि ये इसका काम है कि ये शरीर से लगभग 70 से 80% तरल पदार्थों का, अर्थात तरल जो भी अवशिष्ट तरल पदार्थ उसको शरीर से बाहर निकाल, कितनी? 70 से 80%। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग है। तो इसकी संख्या कितनी होती है पहले बच्चों? एक जोड़ी अर्थात दो होती है, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, तो कितने हो गए? दो, मतलब एक जोड़ी। इसकी स्थिति क्या है अर्थात लोकेशन क्या है? तो ये रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होती है, जो कशेरुक होती है। जैसे मान लो ये रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होती है। तो हिंदी में देखते हैं कि ये कशेरुक दंड के अर्थात रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती है। कैसे होती है? दोनों तरफ पाई जाती है। अब इसका रंग क्या होता है? अब इसका रंग होता है पहले बच्चों गहरा भूरा, मतलब एकदम भूरे रंग की पाई जाती है। अपने जो किडनी है, उसका रंग कैसा होता है? भूरा, गहरे भूरे रंग की किडनी पाई जाती है। अब इसका आकार देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो इसकी लंबाई तो 4-5 इंच है, कितनी है? 4-5 इंच। ऐसे तो 4-5 इंच है, और ऐसे 2 इंच है। कितनी इंच है? 2 इंच है। तो अब इसका काम अपने देख लिया, क्योंकि शरीर से लगभग 70-80% अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। अब देखेंगे प्रत्येक वर्कर अर्थात एक हरे किडनी के अंदर असंख्य अर्थात लाखों संख्याओं में पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक अपनी जो वर्कक अर्थात किडनी है उसमें असंख्य अर्थात लाखों संख्याओं में पतली पतली नलिका पाई जाती है, जिसको अपन वर्कक या फिर
वर्कक या फिर नेफ्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। तो अब प्रत्येक वर्कक में असंख्य अर्थात लाखों संख्याओं में पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है, जिसे अपन वर्काणु या फिर नेफ्रॉन बोलते हैं। अब इस नेफ्रॉन या फिर वर्काणु का भी दो भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? दो भाग। पहला होता है बोमेन संपुट, पहला होता है बोमेन संपुट, दूसरा होता है वर्कक नलिका। तो ये अपने पूरी वर्कक अर्थात किडनी की जानकारी हो गई। अब आपकी यदि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र को समझाए और इसके साथ किडनी किडनी का सचित्र वर्णन कीजिए, तो प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक तरीके से और जितना आसान भाषा में हो सकता है उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अपन आगे का अंग देखेंगे इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों मानव उत्सर्जन तंत्र का अगला अंग देखते हैं। अगला अंग क्यों कौन सा है तो अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले अपने वर्ग की चर्चा की, वर्ग के बाद में क्या है मूत्रवाहिनी। तो अगला अंग कौन सा हो जाएगा? मूत्रवाहिनी। मानव के उत्सर्जन का दूसरा अंग है मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनियों की संख्या कितनी होती है वो देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी होती है और इसका काम क्या होता है कि इनका आखिरकार काम क्या है। तो एकदम पूरा हर एक लोकेशन के साथ देखेंगे कि इसकी संख्या होती है, इसकी संख्या दो होती है, एक तो बाईं वाली एक दाईं वाली। तो कितनी होती है? दो, दो मतलब एक जोड़ी। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अप्रोक्स मतलब लगभग मानते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर। कितने मानते हैं? 25 से 30 सेंटीमीटर। और इनका मेन काम क्या है प्यारे बच्चों? इसका काम क्या है? यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक मतलब वर्कक अर्थात किडनी से मूत्राशय तक। तो ये मूत्र को अपने जो मूत्र होता है उसको वर्कक से अर्थात किडनी से मूत्राशय तक पहुँचाने का काम करती है। क्या करती है? हमारे जो मूत्र होता है उसको वर्कक अर्थात किडनी से मूत्राशय तक पहुँचाने का काम करती है। तो इनकी संख्या होगी ये दो अर्थात एक जोड़ी पाई जाती है। इनकी लंबाई होगी 25 से 30 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 25 से 30 सेंटीमीटर। और इन और इसका काम क्या है? ये जो अपना मूत्र है मूत्र को वर्क करता है किडनी से लेके अपने मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करता है। तो अब अपन देखेंगे एकदम हर चीज को एकदम लोकेशन के साथ समझेंगे अपने वर्क एकदम आसान तरीके से आसान भाषा में समझ लिया। मूत्रवाहिनी अपन ने देख ली। अब आगे का अंग है मूत्राशय अर्थात जो है ब्लैडर है ना इसका। तो अपन इसकी सिचुएशन देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे और इसके बारे में गहन जानकारी। तो प्यारे बच्चों अब अगला अंग है अपने मूत्राशय। कौन सा है? मूत्राशय। तो अपन ने वर्कक की एकदम वर्कक की डेफिनेशन देख ली, मूत्रवाहिनी की देख ली और अब तीसरा और अगला है मूत्राशय। तो मूत्राशय क्या होता है इसकी अपन संरचना देखेंगे। तो मूत्राशय अपने उत्सर्जन तंत्र के अंदर ये जो थैलेनुमा संरचना है ना, ये जो थैलेनुमा संरचना है इसको अपन मूत्राशय बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों मूत्राशय क्या होता है? ये एक पेशियों की बनी थैलेनुमा संरचना है। कैसी है? थैलेनुमा। इसको अपन उल्टा करके देंगे तो एक थैलेनुमा संरचना दिखेगी। और इसकी स्टोरेज कितनी है मतलब इनकी कैपेसिटी कितनी है मूत्र स्टोर करने की, कितने ml मूत्र स्टोर कर सकते हैं? तो 400 से 600 ml का स्टोर कर सकते हैं। और इसका काम क्या है? ये मूत्रण में मदद करता है। मूत्रण में मतलब अपने मूत्र का उत्सर्जन करवाने में मदद करता है। तो अपन ने तीन उत्सर्जन तंत्र देख लिए। अब अगला उत्सर्जन तंत्र का पार्ट देखेंगे, अगला अंग देखेंगे कि अगला कौन सा काम करता है। अब मानव उत्सर्जन तंत्र का लास्ट और अंतिम कौन सा अंग है? मूत्र मार्ग। कौन सा? मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग देखेंगे ये क्या होता है। तो ये प्यारे बच्चों जितनी भी अपनी पूरी प्रोसेसिंग होगी तो पूरी प्रोसेसिंग के दौरान मूत्राशय के अंदर आके अपना स्टोर हो गया। तो जो स्टोर हुआ उसको मूत्राशय एक पतली नली द्वारा बाहर खुलता है। पूरी जितना भी 400 से 500 ml आके इकट्ठा हो उसको शरीर से बाहर निकालने का जो काम करता है या फिर जो मार्ग होता है वही मूत्र मार्ग कहलाता है। तो प्यारे बच्चों अपने पूरा उत्सर्जन तंत्र की हर एक अंग का हर एक लोकेशन के साथ अपने जानकारी ली कि आखिर शुरुआत कहाँ से होती है और उसका एंडिंग कहाँ होता है। तो शुरुआत अपने मानव उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किडनी। कौन सा? किडनी। तो सबसे पहले किडनी से शुरुआत होती है उत्सर्जन तंत्र की। किडनी से आते हैं अपने मूत्रवाहिनी में। ये मूत्र को अपने किडनी से मूत्राशय तक पहुँचाती है। ये हो गया मूत्र, यहाँ आ गया, यहाँ पर 400 से 500 ml जैसे स्टोर होगा तो ये मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को बाहर निकाल देंगे। तो ये पूरी जो प्रोसेसिंग है ये अपने मानव उत्सर्जन तंत्र का है। तो मैंने इतनी आसान और बेसिक तरीके से और इतनी आसान भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते तो मेडिकल लाइन की एकदम रीढ़ की हड्डी है क्या है? तो अपन अगले कॉन्सेप्ट में इतनी बेहतरीन तरीके से अगला चैप्टर लेके आऊंगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों अपन ने स्टार्ट कर रखी थी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ रहे थे मानव तंत्र अर्थात जो मानव तंत्र है पूरी बायोलॉजी की पूरी जीव विज्ञान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज 6 नंबर का चैप्टर है मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में आज आपके लिए बहुत मानव तंत्र में आप
आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके हाजिर हुआ हूं। तो आज पढ़ेंगे अपन मानव का तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव का तंत्रिका तंत्र। तो क्योंकि प्रैक्टिकल साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है पहले दोस्तों, तो इसके अंदर हर पीछे का कॉन्सेप्ट आगे के कॉन्सेप्ट से रिलेट, तो अपने एक बार रिविजन कर लेते हैं कि आखिर पीछे की कक्षाओं में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो मानव तंत्र एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो एकदम आसान तरीके से अपने को याद हो जाएगा। तो इसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था पाचन तंत्र, उसके बाद पाचन तंत्र के अंदर अपने पूरी एकदम पूरा पाचन तंत्र का पोस्टमार्टम कर लिया था कि आखिर पाचन तंत्र होता क्या है और पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग काम करते हैं। पाचन तंत्र के बाद पढ़ा था अपने श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र के अंदर अपने पूरा देख लिया जाता है किस प्रकार ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं और किस प्रकार अपने ATP अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद पढ़ा था अपने रक्त परिसंचरण तंत्र कि अपने शरीर के अंदर किस प्रकार रुधिर का परिवहन होता है, किस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है। उसके बाद पढ़ा था अपने उत्सर्जन तंत्र कि अपने शरीर के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ है वो शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं। और आज पढ़ेंगे अपन तंत्रिका तंत्र अर्थात मानव का तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों मानव का तंत्रिका तंत्र, इसका अपन सरल और देसी भाषा में एक बार मतलब देख लेते हैं कि जिस प्रकार मान लो कोई गर्म वस्तु के अपन हाथ लगाए, कोई गर्म वस्तु रखी या फिर कोई गर्म चाय रखी, उसके अपन ने जैसे हाथ लगाया तो हाथ लगाते अपने दिमाग के अंदर सिग्नल जाएगा कि ये वस्तु गर्म है, तो अपन उस वस्तु अपन उस जगह से अपन हाथ तुरंत हटालेंगे। तो इस प्रोसेस तो इस क्रिया के अंदर जो भी प्रोसेस हुई कि उसके अपन जैसे हाथ लगाए तो दिमाग के अंदर संदेश गया, सिग्नल गया और दिमाग ने तुरंत रिएक्शन दी कि वहां से हाथ हटा लो। जो पूरी प्रक्रिया है वह किसके अंदर आती? तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो अपन अब NCERT के अकॉर्डिंग सिंपल और साधारण परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो तंत्रिका तंत्र तो यह एक ऐसा तंत्र है, यह एक ऐसा तंत्र जो अंगों मतलब जो अपन हाथ लगाए हुए और वातावरण जो अपने को महसूस हुआ कि गर्म है कि ठंडी है कि कौन सी है। तो यह एक ऐसा तंत्र जो अंगों और वातावरण के मध्य सामंजस्य बैठाता है, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करता है। तो ये इसे क्या कहेंगे हम पर तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। तो अब प्यारे बच्चों तंत्रिका तंत्र की परिभाषा देख ली, तो तंत्रिका तंत्र को अपन अध्ययन की सुविधा के अनुसार दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भाग है। तो तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसके अंदर पहला पार्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो अपन इस चैप्टर को एकदम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट की पूरी रूपरेखा देखेंगे कि आखिर तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, पूरी एकदम स्ट्रक्चर पहले चैप्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उस एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम विस्तृत और इतनी आसान भाषा में उसकी जानकारी एकदम कि पूरा तंत्रिका तंत्र का पोस्टमार्टम करके इतनी आसान तरीके से आपके दिल में बैठा दूंगा कि आखिर कभी भी आपको तंत्रिका तंत्र का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र को अपन दो भागों में बांटा, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपन दो भागों में बांट रहे हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। कौन कौन सा? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को अपन स्टार्टिंग के अंदर तो रूपरेखा देख रहे हैं एकदम विस्तृत तरीके से, तो आगे देखेंगे। तो मस्तिष्क को अपन तीन भागों में बांट दिए, अध्ययन की सुविधा हो इसलिए, क्योंकि एक साथ किसी चीज को अपन पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं मस्तिष्क के कौन कौन से भाग। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है? अग्रमस्तिष्क। अपन ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट कर लिया। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैसे कहते किसे? तो एक बार परिभाषा देखते हैं। जो मेरुरज्जु और मस्तिष्क और इसकी जो तंत्रिकाएं होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? जो मेरुरज्जु और मस्तिष्क और इसकी जो तंत्रिकाएं होती है उनसे जो मिलकर तंत्र बनता है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप देखेंगे और परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा देखेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को अपन कितने भागों में बांटते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। पहला कायिक तंत्रिका तंत्र। कौन सा?
कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अपन देखेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, कायिक तंत्रिका तंत्र का तो कैसे काम करता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है। तो कायिक तंत्रिका तंत्र तो अपन इच्छा अनुसार काम करता है कि अपनी इच्छा होगी कि हाथ को कैसे हिलाएंगे, पैर को हिलाएंगे, किसी को कुछ बोलेंगे, कि अपन इच्छा अनुसार जो रिएक्शन कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो रिएक्शन कर रहे हैं वह तो किसके अंदर आएगी, कायिक तंत्रिका तंत्र के। और जिन क्रियाओं पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता है वह किसके अंदर आएगी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आपकी इच्छा होगी कि मैं हार्ट बीट को रोकूं तो क्या रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। आपकी इच्छा होगी मैं श्वास को रोकूं तो कुछ सेकंडों के लिए रोक पाओगे लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं रोक पाओगे। आप ये सोचो कि मेरे लंग्स काम करना बंद कर दी तो सोचने से थोड़ी होगा, क्योंकि यह तो एक स्वतः प्रक्रिया, अपने आप प्रक्रिया चलती रहती है। और अब इनका एक एक करके वन बाय वन करके इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आखिर किस प्रकार ये काम करते हैं। यदि आपने हमारे वीडियो अंत तक देखी है तो पूरे कॉन्सेप्ट दिल में छप जाएंगे। तो पहला है इसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो पार्टों में देखा था अपन। इसके अंदर एक मेरुरज्जु आता है, दूसरा मस्तिष्क। पहला मेरुरज्जु, दूसरा मस्तिष्क। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे मस्तिष्क। कौन सा देखेंगे? मस्तिष्क। तो पहले बच्चों जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है? क्योंकि हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। यह मस्तिष्क है हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो अब देखेंगे कि अपन मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। पहले जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। तो आइए आप एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को अपन इंग्लिश में बोलेंगे सेरेब्रम। क्या बोलेंगे? सेरेब्रम। दूसरा है थैलेमस। दूसरा कौन सा है? थैलेमस। तीसरा है हाइपोथैलेमस। पहला प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो आप देखेंगे इनके कार्य क्या क्या है, प्रमस्तिष्क या फिर सेरेब्रम के क्या काम। तो ये मस्तिष्क का जो अपना मस्तिष्क है उसका 70-80 या फिर 80-85% भाग अकेला कवर करता है। इसलिए ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क बोले तो सेरेब्रम। और इसका काम क्या है, इसके काम भी देखेंगे कि आखिर ये क्या काम करता है। तो पहले बच्चों ये सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। ये हमें मानव को सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। और जो मानव की IQ होती है कि उसकी याददाश्त कितनी है वह इसी पर डिपेंड करती है कि उसका प्रमस्तिष्क कैसे काम करता है। ज्ञान, चेतना, ये टोटल किसके किसके काम है? प्रमस्तिष्क के। अब दूसरा देखेंगे अपन थैलेमस। तो थैलेमस क्या होता है? पहले जो थैलेमस होता है ना, ये प्रमस्तिष्क के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है, चारों ओर कवरिंग होती है, ये इसका काम है। अब तीसरा और इसका अंत पार्ट देखेंगे हाइपोथैलेमस। तो पहले जो दिल तो अपना फालतू में बदनाम कर रखा है आपने, लेकिन जो ये हाइपोथैलेमस है ना, ये सबसे बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि इसके काम है जितना भी प्यार करना, किसी से नफरत करना, भूख लगना, प्यास लगना, किसी भी प्रकार की फीलिंग हो, तो सभी प्रकार का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके अंदर दिल का कोई रोल नहीं रहता है। तो अपन ने अग्र मस्तिष्क को एकदम आसान तरीके से देख लिया। अब देखेंगे मध्य मस्तिष्क। कौन सा देखेंगे? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है? मध्य मस्तिष्क का काम होता है ये अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब तीसरा देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा देखेंगे? पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में बोलेंगे सेरेबेलम। क्या बोलेंगे? सेरेबेलम। दूसरा है पोन्स। कौन सा? दूसरा पोन्स। तीसरा है मेडुला ओब्लोगेटा। कौन सा? मेडुला ओब्लोगेटा। तो आइए अब एक एक को पढ़ेंगे अपन। अनुमस्तिष्क, तो अपन ने पीछे देखा है परमस्तिष्क। परमस्तिष्क तो मानव के जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा भाग था। लेकिन जो अनुमस्तिष्क या फिर सेरेबेलम है, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग तो परमस्तिष्क और उससे छोटा कौन सा है? अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क का क्या काम है? अनुमस्तिष्क क्या काम करता है? तो आइए देखते हैं। अनुमस्तिष्क का काम है ऐच्छिक क्रियाओं या फिर ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित करता है, जैसे हाथ पैर हिलना, जो भी अपन ऐच्छिक अपनी इच्छा से
इच्छा शक्ति से करते हैं, उन सब पर नियंत्रण किसका रहता है? अनुमस्तिष्क का। इसके बाद में कौन सा देखेंगे? इसके बाद में पोन्स। तो पोन्स का क्या काम है? तो देख, ये मस्तिष्क के विभिन्न अंगों, जो भी मस्तिष्क के विभिन्न अंग है उनको जोड़ने का काम करता है, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो पोन्स का काम है, ये मस्तिष्क के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है, आपस में क्या करता है? जोड़े रखता है, मतलब बंद बनाए रखता है। तीसरा मेडुला ऑब्लोगेटा, कौन सा? मेडुला ऑब्लोगेटा। तो इसका काम क्या है? अनुमस्तिष्क का काम तो क्या था? ऐच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो भी पैसे काम करते उन पर नियंत्रित रखना। लेकिन जो मेडुला ऑब्लोगेटा है इसका काम अनैच्छिक क्रिया, मतलब अनैच्छिक पैसे हैं जिस पर हमारा कोई इच्छा ना, अर्थात स्वतः जो गति करती है, स्वतः जो काम करती है उन पर नियंत्रण किसका रहता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। तो अब अपन देखेंगे जो स्वतः कौन कौन सी ग्रंथियां है, फिर स्वतः कौन कौन सी मांसपेशियां काम करती है। तो आइए एक एक को पढ़ते। तो इसके अंदर अनैच्छिक वाली मांसपेशियां काम करती है, जिस प्रकार हृदय का धड़कना अपने वश में नहीं है। दूसरा रक्तदाब, मतलब रक्त परिसंचरण अपने शरीर के अंदर जैसे रक्त की सप्लाई होती है ये भी अपने हाथ में नहीं है। तीसरा श्वसन तंत्र, जो भी अपने श्वसन CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, किस प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है? ATP ऊर्जा का निर्माण किस में होता है? ATP के रूप में। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और पाचक रसों का, क्योंकि जैसे अपन कुछ खाएंगे तो ऑटोमेटिक पाचक रस बनेंगे, किस प्रकार उसमें एसिड जाएगा, किस प्रकार उसमें विटामिन खनिज लवण उसके अंदर एड होकर पाचक रसों का निर्माण हो जाएगा। तो अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बांटा था अपने? दो भागों में, पहला था मेरुला, जो दूसरा था मस्तिष्क। तो अपने मस्तिष्क को देख लिया था, तो मस्तिष्क का सबसे लास्ट का पार्ट कौन सा? मेडुला ऑब्लोगेटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लोगेटा। तो यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है, ये मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अब मेडुला जो ऑब्लोगेटा है ना, ये अपने मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। अब अपन देखेंगे मेरुरज्जु को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग देखेंगे अपन मेरुरज्जु, अर्थात मेरुरज्जु को अपन देसी भाषा में रीढ़ के हड्डे भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी कितनी तो लंबाई है। और तो मेरुरज्जु की लंबाई पहले दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है वो 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये रीढ़ की हड्डी जो तंत्रिका तंत्र, जो अपना तंत्रिका तंत्र उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग मतलब पूरा अपना तंत्र इसी के ऊपर टिका रहता है। यदि इसके कुछ भी खरोच आ गई तो जिंदगी खराब हो जाती है बंदे की। तो मेरुरज्जु की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है और ये तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो अपन ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एकदम आसान तरीके से देख लिया। अब देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संपूर्ण अपन ने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो पहले जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो कौन कौन से? पहला कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आप देखेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र में तो कौन से अंग आते हैं और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो आइए देखते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र। तो कायिक तंत्रिका तंत्र यह तंत्र या अर्थात कायिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कायिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो मानव की इच्छा पर निर्भर करती है, जो मनुष्य की खुद की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। उन्हीं सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र। जो भी बंदा खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है, जैसे कि हाथ पैर की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां और भी जो क्रियाएं जो मानव की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है, वह सारी की सारी किसके अंदर आती है? कायिक तंत्रिका तंत्र के आती है। और इसके अलावा जो भी एक्टिविटी है वह सभी की सभी किस में आ जाएगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। जो तो इसमें क्या हो गया, जो मानव की इच्छा पर डिपेंड करती है तो उसमें क्या हो जाएगा? जो मानव की इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है अर्थात जो स्वतः होती है। तो आइए देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसकी परिभाषा वह तंत्र या फिर वह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो स्वतः संपन्न होती है, जो स्वतः संपन्न होती है मतलब अपने आप संपन्न होती है, जो किसी के सहारे नहीं होती, जिसको किसी का सहारे की जरूरत नहीं। जो बंदा चाहे ना, मतलब व्यक्ति चाहे ना तो भी कभी बंद नहीं होगी। तो इसकी परिभाषा हो गई यह तंत्र उन क्रियाओं अर्थात स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करेगा जो एकदम स्वतः संपन्न होगी, स्वतः जो किसी का वेट नहीं करेगी। मतलब जैसे हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कना है तो 72 बार ही धड़केगा। यदि अपन चाहेंगे कि वो 50 बार धड़क जाए या 100 बार धड़क जाए तो कभी नहीं धड़केगा। तो उनके फिक्स
मान होता है, तो इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं? जैसे हृदय का धड़कना, हृदय अपनी हमेशा अपनी गति से ही धड़केगा, उसके मानस की इच्छा शक्ति पर यदि अपन तो सोच लें कि हृदय अपना धड़कना बंद कर दे तो अब अपनी इच्छा अनुसार बिल्कुल भी कभी नहीं धड़केगा। ये इसकी फिक्स मान है कि बेहतर बार धड़केगा तो बेहतर बार ही धड़केगा। फेफड़े फेफड़े अपने वायु का आदान प्रदान कर अपने हिसाब से करेगा, न कि मानव के हिसाब से। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जैसे एंजाइम स्रावित करना, तो अपने अकॉर्डिंग काम करती रहेगी। ऐसे नहीं कि बंदा चाहे मतलब मानव चाहे वैसे काम करेगी। तो अपन ने देख लिया तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के थे, कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अपन ने पढ़ लिया। उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से पार्ट थे? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। कौन कौन से थे? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा उसमें? मस्तिष्क पढ़ा, क्योंकि मस्तिष्क ही मेरुरज्जु आपस में रिलेट। तो सबसे पहले मस्तिष्क पढ़ा, तो मस्तिष्क को अपन तीन भागों में बांटा। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क के अंदर जो सबसे अंत का पार्ट है मेडुला ऑब्लोगेटा, कौन सा? मेडुला ऑब्लोगेटा। तो मेडुला ऑब्लोगेटा किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब तो सेकंड पार्ट, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को अपन ने दो भागों में बांटा, कौन कौन से? कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो कायिक तंत्रिका तंत्र क्या है? अपन ने देखा कि जो मानव की इच्छा पर निर्भर करती, जो मानव की इच्छा पर निर्भर करती वह सारी कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर आती, और जो मानव की इच्छा पर निर्भर नहीं करती अर्थात जो स्वतः घटना घटित होती, जैसे हृदय का धड़कना हार और अपने अंतःस्रावी द्वारा हार्मोन स्रावित करना, फेफड़ों का काम करना, और जो भी जैसे अपनी श्वास की दर है, श्वास की दर अपन कुछ समय के लिए रोक सकते लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए भी आप रोक पाओगे तो हमेशा के लिए उस रुक जाएगी। तो स्वायत्त होगी। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी कार्य की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में? दो भागों में। तो कौन कौन से है? पहला है अनुकंपी तंत्र, पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी, कौन कौन सा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो आइए देखते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वो होता है, इसकी एक बार डेफिनेशन देखेंगे अपन, कि यह वह तंत्र है, अर्थात अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वह तंत्र जो व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन स्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे करो या मरो की स्थिति में, जिस प्रकार मानो कभी ऐसी घटना घट जाए, कोई आपातकालीन या फिर इमरजेंसी आ जाए, तो उसके अंदर अपने को कौन एनर्जी देगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसके अंदर हमारी हार्ट बीट मतलब जो हृदय की गति है वह बढ़ जाएगी और श्वसन दर वह भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कोई भी घटना आपातकालीन घटना घट जाए तो उसके अंदर अपनी एनर्जी नहीं होती, जिस प्रकार मान लो अपनी चलने की क्षमता नहीं होती, हिलने डुलने की, पीछे कोई कुत्ता लग जाए तो डबल स्पीड से अपन दौड़ेंगे तो वही आपातकालीन स्थिति होगी। मतलब करो या मरो, मतलब उसके अंदर जोश आ जाता है बंदे के अंदर, तो करो या मरो की इसके अंदर अपनी जो हृदय गति है वह भी बढ़ जाती है और जो श्वास की दर है ये भी बढ़ जाती है। अब दूसरा देखेंगे अपन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, कौन सा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसका क्या काम है? तो तेरे जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये शरीर को जब शरीर अपना विश्रामावस्था अर्थात जो रेस्ट के अंदर रहता है उस समय शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे अपन सो रहे होते हैं तो उस समय अपने माइंड को, जब हम चौके उठते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तो उसी तो किसके कारण? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण। और इसका एग्जाम्पल है आंखों की पुतली का सिकुड़ना। जब अपन सोते तो अपनी आंखों की पुतली एकदम सिकुड़ जाती है। तो ये अपन ने देख लिया था पूरा तंत्रिका तंत्र को। इतनी आसान भाषा में मैंने आपको समझा कि शायद ही आपको इस यूट्यूब की दुनिया में ऐसा आसान और इजी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।